संडे मॉर्निंग यानी वीकेंड पर सबको आना भी चाहिए यहाँ पर बिकॉज ऑल द वीकनेसेज कम टू एन एंड वैन ऑन द वीकेंड वी कम टू हीर हरी कथा ऐट श्री श्री रुक्णी द्वारकादीश टेम्पल तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हमारी वीकनेसेस को एंड करने के लिए हमारे बीच में है हिस् ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी प्रभु जी अराउंड नाउ मोर देन थर्टी अराउंड थर्टी इयर्स प्रभु जी को हो गए हैं प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वेरी डीपली वेरी हाई क्वालिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस और कितने भक्तों की कृष्णा कॉन्शियसनेस शुरू भी प्रभु जी ने कराई है उसको नरेश प्रभु जी ने कराया है उसका पोषण भी प्रभु जी करा रहे हैं उसे उसमें गाइडेंस भी दे रहे हैं प्रेरणा भी दे रहे हैं सो so आज हमारे बीच में इस मोहन हुआ प्रभु जी तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे बाई चैन टेंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे क्रिष्न, हरे, क्रिष्न, 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 हरे क्रिष्न, हर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे इस ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी की जा हरे कृष्ण जयानी अनिलो प्रेमा धना ुणा प्रचु जे आनिलो प्रेमा धना করোনা প্রচু এ প্রভু কোথা গেলা आचार्य ठाकुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूप सनातन कहां दास रघुनाथ पति थप कहा मोरा भट योग कहाँ कबीरा एक काल को था गेला गोरा नटराज पाषण कोटी वो माथा আনালে পাশিব গৌরঙ্গা গুনে নিধি কোথা গেলে পাবো से सब संगीरा संगे जे को लो से सब संगीरा संगे लो बिलास से संगा न पाया कंदे न रुत से संगा न पाइया कंदे नरोतमो जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुप नेता हरि बोल हरि बोल, बोल, बोल गोर हरि बोल जय ओम विशुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य स्त्रोत्र श्री श्रीमद्रीस अभय चुनाविंद भक्तवेद स्वामी शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैश्व वैश्वृंद की जय नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय प्रेम सघ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गोर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिनाश श्याम कोण राधा गुण गिरी गोवर्धन की जय गंगा माई की यमुना माई की जय वृदा देवी तुलसी महारानी की जय जाए जय शिवास पंडित तिरुभा तिथि महामहोत्सव की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी उदय संबल टिपोडिस हरे कृष्णा ऑल ग्लोरी उदय संबल टिपोडिस हरे कृष्णा ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौर ज्यान तिमर ज्ञाजनशलाकया चुरामीलिता तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोष्ट स्थात ये नूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम् वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानाम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये हवा सर के ऊपर से आ रहा है इधर ये हवा इसी का हवा ऊपर से आ रहा है इधर सार थोड़ा इसको स्लो कर दें पंचतत्वाद कृष्णम भक्त रूप स्वरूप कम भक्तावतरम भक्ताख्यम नमा भक्त शक्तिगम तो पंचतत्व श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्त वृंद यह है पंचतत्व पंचतत्व में सारे तत्व हैं इसमें विश्व तत्व है शक्ति तत्व है और जीव तत्व है तीनों तत्व एक ही तत्व है पंच तत्व फाइव फीचर्स ऑफ द सेम एब्सुल वास्तव में हम सब भगवान से अलग नहीं है गुणवत्ता में मात्रा में भेद है जैसे कि एक श्लोक है ना भागवत का वदंती तत्व दस तत्व ज्ञान अद्वयम परमात्मे थी भगवान शब्द थे Uh, the three features are the same absolute truth uh, brahma paramatma aur bhagwan to bhauri bhagwan ke hi ek ansh hai hum log so we are actually in that sense not different from the supreme lord qualitatively not quantitatively तो शिवाज ठाकुर जो हैं वो जीव तत्व हैं लेकिन फिर भी एक पंच तत्व के एक क्या है सदस्य हैं शिवाज ठाकुर आ, नारद मुनि के अवतार नारद मुनि के अवतार और आ, शिवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार हैं या नारद मुनि शिवास ठाकुर के अवतार हैं? यह प्रश्न उठता है क्योंकि दोनों का ही वास्तव में शाश्वत स्वरूप है नवधि भी नित्य है और गोलोक ब्रज जो है वो गोलोक वृंदावन वो भी नित्य है गोलोक वृंदावन का दो भाग है एक तरफ नवदीप श्वेतादीप है और दूसरी तरफ क्या है ब्रज है तो दोनों ही गोलोक वृंदावन का भाग है और दोनों में ही जितने परिकर हैं वो सब क्या है नित्य परिकर हैं इटर्नली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कहते ना केवल कि नारद जी के अवतार हैं शिवाज ठाकुर तो शिवास ठाकुर जो है वो नारद जी के माध्यम से आ रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण भी जो आते हैं तो वो अपने डेकोरम को मेंटेन करते हैं भगवान विष्णु के द्वारा आते हैं इसलिए वसुदेव देवकी के समक्ष जो है उन्होंने सबसे पहले चतुर्भुज रूप प्रकट किया डेकोरम मेंटेन किया कि नहीं नहीं और अगर अगर, अगर चेयरमैन भी सैलरी देता है तो खुद नहीं देता मैनेजर के माध्यम से देता है इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर सैलरी दे रहा है सैलरी तो मालिक ही दे रहा है तो इस तरह से क्या है आ, ये इनकी ओरिजिनलिटी है यानी कि इनका जो है स्वरूप जो है वो शाश्वत स्वरूप है लामाचार्य हरदास का ठाकुर का शाश्वत स्वरूप है नित्य नवदीप केवल ये कहते ना कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं वो सफिशियंट नहीं है क्योंकि वो महापुरुष के नित्य परिकर है इस बात को हम लोग अच्छे से समझ लें और तिरुभाल दिवस है आज श्रीवास ठाकुर का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है तिरुभाव और आविर्भाव हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण लेकिन गौड़िया वैष्णव में तिरुभाव दिवस जो होता है उसका और अधिक महत्व है क्योंकि आज के दिन जो है ये वैष्णव आचार्य अपने आने के उद्देश्य को पूरा करते हुए नित्य लीला में प्रवेश करते हैं जैसे जन्म से अधिक महत्वपूर्ण क्या है कर्म है और इसी तरह से क्या है तिरुभाव आना आविर्भाव तो बहुत ही शुभ है वैष्णवों का इस पृथ्वी में लेकिन जब वो जाते हैं तो वो सारे कार्य पूरे करके जाते हैं जिसके उद्देश्य से वो यहां पर आए हैं पूरे जगत को पवित्र करके जाते हैं तो शिवाज ठाकुर तो यहां पर जब शक्ति की बात की गई है तो उसमें प्रिंसिपल जो डिवोशनल एनर्जीज हैं शक्ति जिसको शक्ति तत्व कहा जाता है वो है गधाधर पंडित स्वरूप दामोदर रामानंद राय ये सब क्या है शक्ति तत्व जीव है साधारण जीव नहीं है ये तटस्थ शक्ति के जीव नहीं है क्योंकि माया के प्रभाव में भी आ सकते हैं नहीं आएंगे माया के प्रभाव में कभी <crime है> ये तो अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए हैं नित्य परिकर नित्य सिद्ध जो हैं वो क्या है भगवान के अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति से प्रकट हुए हैं शक्ति तत्व जीव और शुद्ध भक्तों में कौन है श्रीवास ठाकुर हैं जो कि दास्य रस में भी हैं और सख्य रस में भी है क्योंकि महाप्रभु की जो लीला है गौर लीला में जो अधिकांश जो भक्त हैं वो दास्य भाव में ही महाप्रभु की सेवा करते हैं क्योंकि साधक के रूप में प्रकट होते हैं तो दास्य भाव में चेतन्य महाप्रभु की सेवा होती है तो इसमें शिवास ठाकुर जो हैं वो पंच तत्व में एक माने जाते हैं तो शिवास ठाकुर के बारे में गौर गोणदेश दीपिका में लिखा हुआ है कवि कर्णापुर के द्वारा लिखे थे ये ग्रंथ गौर गौणदेश दीपिका जिसमें बताया गया है कि ये ब्रज गौरंग के गौरंग महापुर के लीलाओं में जो परिकर थे वो ब्रज में कौन थे ब्रज में जब ब्रज की जब लीला हुई तो उस समय उनका क्या स्वरूप था क्या स्वरूप है आ, तो ऐसा वर्णन किया गया है तो शिवास ठाकुर के बारे में बताया गया है गौर गौणदेश दीपिका में कि श्रीवास ठाकुर नारद मुनि हैं कृष्ण लीला में और नारद मुनि के जो पर, मित्र हैं जो हमेशा नारद जी के साथ रहते हैं पर्वत मुनि वो प्रकट हुए श्री राम पंडित के रूप में या रमाई पंडित के रूप में श्री राम पंडित का दूसरा नाम है क्या है रमाई है। तो शिवाज ठाकुर की जो पत्नी है मालिनी देवी वो गौरलीला में अक लीला में क्षमा करिए लीला में अंबिका के नाम से थी जो कि भगवान श्री कृष्ण की धात्री थी नर्स और उनकी एक बहन थी किलिंबिका और वो किलिम्बिका जो है गौलीला में प्रकट हुई नारायणी देवी के रूप में तो इस प्रकार ये नित जैसे भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो उनके जो निजी परिकर हैं वो भी अपना विस्तार करते हैं भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं कि कृष्ण ही विस्तार कर रहे हैं केवल कृष्ण की कृपा से भगवत कृपा से उनके अपने जो निजी परिकर हैं वो भी अपना विस्तार करते हैं साइमल क्योंकि भगवान कभी अकेले नहीं जाते कहीं भी राजा अगर जाता है तो प्रजा साथ में जाती है प्रजा तो पहले पहुंच जाती है और ऐसे में श्रीवास ठाकुर नमाचार्य हरिदास ठाकुर और कई ऐसे जो वैष्णव हैं वो महाप्रभु के आने से पहले ही प्रकट हो गए थे क्योंकि तो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले उन्होंने सारे उस लीला आ, का वर्धन करने के लिए सारी व्यवस्था तो उन्होंने ही करनी है तो शिवास ठाकुर भी जो है वो पहले आ चुके थे तो और इस तरह से शिवास ठाकुर जो है ये सिलहट से थे सिलहट में इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में हैं जो अभी बांग्लादेश बांग्लादेश में बहुत सारे आ, स्थान हैं जहाँ वैष्णव आचार्यों ने जन्म लिया नरोत्तम दास ठाकुर का खेतरी ग्राम भी वहीं पे है बांग्लादेश कभी भी जाना चाहिए हम आप सबको गौड़ मंडल नवदी मंडल परिक्रमा और फिर गौड़ मंडल परिक्रमा तो गौड़ मंडल में जो है वो बांग्लादेश के कई स्थान आते हैं जहाँ पर हमारे वैष्णव आचार्य रहे हैं जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य शिवास ठाकुर और उसके बाद यहाँ तक कि तपन मिश्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता ये सब तो वहीं पे रहते थे बांग्लादेश में पूर्वी बंगाल था उस समय ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था तो उसमें शिवास ठाकुर जो है वो सिलहट से थे सिलहट बांग्लादेश में है और बाद में शिवास ठाकुर जो है वो नवदीप आ गए और वहां पे उन्होंने विशेष योगदान दिया गौरव महापुर लीला को और चैतन्य भागवत और चैतन्य चरता से पता चलता है कि श्रीवास ठाकुर के नवदीप में तीन भाई थे वैसे तो पांच थे पांच संताने थी इनके पिता का नाम था जलधर पंडित गौड़िया वैष्णव विधान के अनुसार जिसमें प्रेम विलास का उदाहरण दिया गया है उसमें वर्णित है कि उनके पिता का नाम क्या था जलधर पंडित पांच पुत्र थे उनके नलिन पंडित श्रीवास पंडित श्री, श्री राम पंडित श्रीनिधि और श्रीपति ये पांच थे उसमें से चार जो है नवदीप में रहते थे और नलिन पंडित वहाँ रहते थे कुमारहट में हालीसहार तो कुमारहट कौन सी स्थान कौन सा स्थान है जहाँ पे चैतन्य महापुरु के जो गुरु हैं उनका जन्म हुआ श्रीवास ईश्वरपुरी का तो कुमारहट के थे नलिन पंडित और वहाँ वो रहते थे तो नलिन पंडित की एक बेटी थी जिनका नाम था नारायणी और नारायणी के जब पति वैकुंठ विप्र उनका जब देहांत हो गया मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो उस समय गर्भवती थी और ऐसे में नारायणी जो है वो कहाँ पर आके रहने लगी शिवास ठाकुर के घर पर कुमारहट छोड़ दिया लेकिन शिला वृंदावनदास ठाकुर जो नारायणी देवी के पुत्र थे उनका जन्म मामगाछी में हुआ मामगाछी मोदाद्रुम द्वीप में है नवद्वीप में एक द्वीप है जिसको कहते हैं मोद्रुम द्वीप तो मोद्रुम द्वीप में जहां पे शिला दास ठाकुर का जन्म हुआ उस आ, स्थान को कहते हैं मामगाछी तो मामगाछी में जो है शिला दास ठाकुर का जन्म हुआ था और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की कथाएं है, सुनते हैं शिवरास ठाकुर के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और संक्षिप्त वर्णन करने जा रहे हैं हम लोग कुछ जो प्रसंग है वो चैतन्य भागवत से है और कुछ चैतन्य चरतामृत से है तो इसको मिलाकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे विद्यार्थी का जीवन बिता रहे थे अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे अभी उन्होंने भक्ति के भावनाओं को भक्ति की भाव को प्रकट नहीं किया था भक्त के रूप में प्रकट नहीं हुए थे आप अपने पांडित्य को प्रस्तुत कर रहे थे पांडित्य को प्रकट कर रहे थे विद्वत्ता को प्रकट कर रहे थे ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे बहुत बड़े विद्वान थे बड़े बड़े स्कॉलर्स बड़े बड़े विद्वान नवदीप के बड्डाचार्य बांधोपाध्याय इन सबको को परास करते थे शास्त्रार्थ में और वहां के जो ब्राह्मण हैं वो भी बेचारे बहुत ज्यादा तंग हो जाते थे कि निमाय सामने से आ रहा है खिसक लो यहां से ये तो बातों बातों में ही घुमा देता है और यहाँ तक ये तो ब्राह्मण जो बांधोपाध्य है और जो इस भट्टाचार्य है ये सब ब्राह्मण थे लेकिन यहाँ तक कि भक्त लोग भी जो हैं बेचारे वो भी परेशान हो रहे थे योग माया लीला शक्ति के प्रभाव से यहाँ तक भक्त भी नहीं पहचान पा रहे क्योंकि अपने ही आराध्यष्ट चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए महाप्रभु के रूप में निमाई के रूप में योग माया से ढका हुआ था उनको वो नहीं पहचान पा रहे थे तो वो भी गधाधर पंडित मुकुंद दत्त मुरारी गुप्त इन सब से जो है शास्त्रार्थ होता था शास्त्रार्थ होता था यानी कि न्याय शास्त्र के ऊपर तर्क वितर्क होता था और निमाई जो है उन्हीं की बातों का खंडन करते थे खंडन करने के बाद उस बात को ही दोबारा स्थापित करते थे ये साबित करते थे कि आपने जो बोला वो तो सही था भाई आप क्यों बेकार में चिंतित होते हो दुखी क्यों होते हो मैं अब साबित करता हूं कि आपने जो कहा था वो सही था वो बड़े खुश होते थे देखा हमने कि जो कहा था सही था ना ठीक है लेकिन अब हम ये भी साबित करेंगे कि आप गलत भी हैं तो फिर दोबारा खंडन करते थे फिर दोबारा साबित करते थे उन लोगों का दिमाग खराब हो जाते भाई कहाँ फंस गए हम लोग लो है ना और भक्त लोग जो हैं वो सब प्रार्थना करते थे इस विद्वत्ता का क्या लाभ इस ज्ञान का लाभ क्या है अगर आप कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकार करते इतना अध्ययन करने के बाद वो सारा ज्ञान जो है बेकार है यूजलेस है वो तो आपको मनुष्य भी नहीं बना सकता ऐसा ज्ञान भौतिक ज्ञान जो है आपको मनुष्य भी नहीं बनाता है भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से केवल आप पशु रहते हैं मनुष्य भी नहीं बन पाते हैं ये सूचना शायद आपको पहले मिल गई होगी कभी लेकिन आप सुनकर चकित हो रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से हम पशु बने रहते हैं यस पढ़े लिखे पशु और यहाँ पर गधाधर पंडित मुकुंद दत्त ये तो भक्त हैं भगवान के ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए अरे ये गौर सुंदर गौर हरी निमाई आएगा सामने और शास्त्रार्थ करेगा समय हमारा खराब करेगा इतना ज्ञान प्राप्त करने का क्या फायदा अगर कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकार किया तो सब लोग आशा कर रहे थे कि जल्दी ये कृष्ण भक्ति को स्वीकार करें एक दिन श्रीवास ठाकुर जी श्रीवास पंडित जो है अब उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां से निमाई पंडित आ रहे थे तो शिवाज़ ठाकुर को देखकर निमाई ने दंडवत किया क्योंकि उनसे बड़े थे वो तो शिवाज़ ठाकुर बोले कि इतना अध्ययन करने का क्या लाभ निमाई ये अध्ययन ये ज्ञान इसका लाभ तभी है जब तुम कृष्ण भक्ति को अपनाओ अपना समय मत खराब करो जल्दी से कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो निमाई ने कहा वाह बड़ा आनंद आ गया आज तो शुद्ध भक्त के मुखार बिंद से जो है आज मुझे कृपा मिली है और आपकी कृपा से निश्चित रूप से मैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करूंगा और तो इसलिए शिवास ठाकुर का आशीर्वाद मिल गया निमाई ने कहा कि आपका आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित रूप से जो है मैं कृष्ण भक्ति को स्वीकार करूंगा बहुत जल्दी तो इस प्रकार कुछ समय के बाद हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्र अपने पिता के श्राद्ध के लिए कहा गए थे गया थे और गया में उनकी मुलाकात श्रीपाद ईश्वरपुरी से हुई थी श्रीपादेश्वरपुरी के दर्शन करने मात्र से भाव विभोर हो गए भगवान विष्णु के चरण चिन्हों को देखकर भाव में नृत्य कीर्तन किया गया मैं पहली बार चैतन्य महापुर ने गौर सुंदर गौर हरि ने और ये नृत्य कीर्तन देकर भक्त लोग वहां के लोग स्थानीय लोग जो हैं एकदम से चकित हो गए ये कौन सा कौन कौन है ये भाव को इतना जो है कीर्तन कर रहा है भाव वेश में आकर और जब गौर सुंदर गौर हरि निमाई जब वापस आए नवदीप तो पहली बार शुक्लाम्ब्र ब्रह्मचारी के घर पर उन्होंने भाव के लक्षण प्रकट किए और यहां तक कि उनका शरीर जो इतना तपने लगा महाप्रभु का कि जिस खंभे के सहारे वो खड़े थे वो खंबा भी पकड़ने लगा उनके शरीर के ताप से और उसके बाद ऐसा सब देखकर सची माता जो है बहुत चिंतित हो गए क्योंकि सची माता ने तो बचपन से निमाई को देखा था वो ज्ञान का प्रदर्शन करता था विद्वान था पंडित था नवदीप में दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए भाई छोटा सा लड़का है इतना बड़ा विद्वान है निमाई लेकिन आज हो क्या गया है ये कभी रोता है तो कभी हंसता है कभी जमीन पर लौटता है कभी मूर्छित हो जाता है कभी उछलता है कभी कूदता है कभी नाचता है कभी गाता है इसको क्या हो गया है इसको निमाई को शची माता घबराने लगी शची माता परेशान हो गई मेरे निमाई को क्या हो गया है ये पागल हो गया है क्या अपने आप हंसता है अपने आप कभी रोता है तो इस प्रकार चिंता में पड़ गई सची माँ और ये खबर किसको पहुंच मिली जाके शिवाज ठाकुर को शिवास ठाकुर को जब ये खबर मिली तो शिवास ठाकुर ने कहा जाके देखते हैं निमाई को क्या होगा और निमाई से जब मिलने गए तो शिवाज ठाकुर को देख कर फिर से भाव के सारे लक्षण जागृत हो गए निमाई में एक शुद्ध का दर्शन करके और उसके बाद जब वो भारी चेतना में वापस आए चैतन्य महापुर निमाय गौर सुंदर और शिवास ठाकुर से पूछे निमाय निमाय ने कहा शिवास एक बात बताओ हर कोई कह रहा है कि मैं पागल हो गया हूं तुम्हारा क्या विचार है शिवास ठाकुर जोर जोर से हंसने लगे और शिवास ठाकुर ने उत्तर दिया क्या उत्तर दिया बोलते हैं कि वास्तव में अगर ये पागलपन के लक्षण हैं तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे को भी यह लक्षण प्राप्त हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए भक्ति भाव की तरंगे जो हैं प्रबल तरंगे आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी हैं। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण की कृपा हो चुकी है आपके पर गौरंग महाप्रभु की। तो महाप्रभु की कृपा हो गई निमाई निमाई को जिसका दर्शन प्राप्त हो गया निमाई जो है अब जिस उद्देश्य से महाप्रभु आए हैं वो अब उस उद्देश्य को पूरा करना शुरू कर दिया है क्योंकि यह आने का उद्देश्य नहीं था उनका कि विद्वत्ता प्रकट करें और ज्ञान का प्रदर्शन करें यह था उद्देश्य उनका कि ब्रज का प्रेम ने कृष्ण प्रेम ने सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करें नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णा यष्ण चैतन्य नाम ने गोर इसलिए चैतन्य महाप्रु आए हैं चैतन्य महाप्रु आए हंसने हंसाने के लिए और चेतने महाप्रु आप आए हैं आप सबको रुलाने के लिए आप सबको नचाने के लिए और आप सबको कीर्तन करवाने के लिए और आप सबको प्रसाद देने के लिए कभी हसीिए कभी रोइए कभी प्रसाद पाइए कभी नाचिए कभी गाइए कभी विश्राम करिए यही है चैतन्य महाप्रु का संकीर्तन आंदोलन और ऐसे में जो है चैतन्य महाप्रु बड़े प्रसन्न हुए शिवराज ठाकुर से शिवास ठाकुर से कहा श्रीवास अगर तुम भी कह देते कि मैं पागल हो गया हूं तो जानते मैं क्या करता अभी जाता गंगा जी में और वहां छलांग मार के डूब मरता मैं लेकिन शिववास तुमने मेरे प्राण को बचा लिया तो चैतन्य महापुरुष शिवास ठाकुर का आलिंगन किया गौर हरि की जय तो चैतन्य महापुरुष जब संकीर्तन शुरू किया था आपने घर में और शिववास ठाकुर के घर में तो जो नास्तिक थे वहां पड़ोसी वो सब जो है बहुत ही द्वेष करने लगे पाषाण्डी जो होते हैं और ये सब चंडी काली के उपासक थे नवदीप में महापुरु के आने से पहले अधिकांश लोग चंडी काली के उपासक हो गए लोग विषयी हो गए थे और लोग सांसारिक कार्यों में जो है लिप्त हो गए थे उनके होशोह हवास उड़ गए सब लोग भूल गए कृष्ण भक्ति कोई करना नहीं चाह रहा था और जो वैष्णव थे वो छुप, छुप के अपने घरों में ही करते थे तो इसलिए अद्वैत आचार्य भी बड़े दुखी हुए थे इस दृष्टांत को देखकर तो यहां पर अब पता चला कि यहां पर संकीर्तन हो रहा है तो नास्तिक पड़ोसी थे उन्होंने देखा कि ये लोग जो है रात को जोर जोर से चिल्लाते हैं हमारी नींद उड़ गई है हम सो नहीं पाते हैं रात को उनको हो क्या गया ये पागलों की तरह चिल्लाते हैं और कई तरह के वहां पर रूमर शुरू हो गए लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि राजा अभी जल्द ही सैनिकों को भेजेगा और इन सब भक्तों को दंडित करेगा और फिर शिवास ठाकुर तक जब ये सूचना मिली तो शिवास ठाकुर बेचारे भयभीत हो शिवास ठाकुर चिंता में पड़ गए अरे राजा के लोग आएंगे सैनिक आएंगे भक्तों को पीटेंगे क्या होगा फिर भक्तों का वो चिंता करने लगे शिवास ठाकुर ने कहा कि एक ही उपाय है भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए वो सारे विघ्नों को दूर करेंगे फिर हमें कोई भक्ति करने से रोक नहीं पाएगा संकीर्तन करने से कोई नहीं रोक पाएगा संकीर्तन आंदोलन के रक्षक हैं श्री नरसिंह देव भगवान की जाए।, जाए तो इस प्रकार से शिवास ठाकुर ने जब इस प्रकार से भयभीत हो रहे थे और नरसिंह भगवान की पूजा करने लगे नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे तो शिवा चैतन्य महापुरु निमाय गौर सुंदर को पता चला जैसे ही बहुत तेजी से शिवास ठाकुर के घर पे गए और जोर से उन्हें लात मारा किवाड़ पे दरवाजे पर और घर के भीतर घुस गए शिवास किसकी पूजा कर रहे हो तुम किसका ध्यान लगा रहे हो जिसकी पूजा तुम कर रहे हो जिसका तुम ध्यान लगा रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है किसने बोला ये गौर हरि ने बोला निमाई ने बोला तो शिवा देकर एकदम तो चकित हो ये क्या हुआ मैं दुष्टों का संहार करने के लिए आया हूं और भक्तों की रक्षा करने के लिए आया हूं चिंता मत करो शिवास चिंता मत करो और उसके बाद निमाई जो है वीर आसन में बैठ गए और वीर आसन में बैठने के बाद उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया नरसिंह भगवान का शंक चक्र गदा पद्म के साथ और उसके बाद जब शिवास ठाकुर ने देखा ये अद्भुत अभिव्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के नरसिंह आवेश में नरसिंह रूप दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया भगवत प्रेम उमर पड़ा और वो नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर की स्तुति से बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कहा बुला लाओ शिवास अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाओ अपनी पत्नी अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाओ और चैतन्य महाप्रभु ने वो नरसिंह रूप जो है शिवास ठाकुर के परिवार के सदस्यों को भी दिया दर्शन कराया तो इस तरह से ये बताया जा रहा है और इसके उपरांत एक घटना और हुई कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया अपना महाप्रसाद नारायणी को दिया और नारायणी को कहा कृष्ण का नाम लो नारायणी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जैसे हरि नाम लिया नारायणी ने नारायणी के शरीर में सारे कृष्ण प्रेम के लक्षण जागृत हो गए और ये जो महाप्रु का महाप्रसाद मिला था उच्चिष्ट उनका नारायणी को इसी कारण से उनके घर में कौन थे कौन कृपा पात्र बने श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत के रचेता है इसलिए कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला है वृंदावन दास ठाकुर के मुख से यह गौर लीला गौर कथा विशेष कृपा प्राप्त हो गई श्री को चैतन्य महाप्रभ का जो उच्चिष्ट महा महाप्रसाद लिया था नारायणी ने और उसके बाद एक घटना और है इसी तरह की आ, लेकिन वो है चैतन्य चरतामृत में चैतन्य चरतामृत में वर्णन आता है कि एक समय चैतन्य महापुरु ने शिवास ठाकुर को बोला कि आप कृपा करके विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करें बृहस्त सहस्त्र नाम क्योंकि उसमें भी नरसिंह भगवान का नाम आता है तो शिवास ठाकुर ने जो है विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण शुरू करना शुरू किया और जैसे नरसिंह भगवान का नाम उसमें आया चैतन्य महापुरु ने जब सुना नरसिंह भगवान के नामों को जब सुना तो चैतन्य महापुरु नरसिंह भगवान के आवेश में आ गए और उनके खुले केश आंखें एकदम लाल हो गई और रुद्र रूप धारण किया और एक गदा लेके जो है नवदीप की सड़कों में भागने लगे और नवदीप की सड़कों में जब भागने लगे तो देखा कि नवदीप वासी जो है वहां भयभीत हो रहे हैं सब लोग सब भयभीत हो गए इधर उधर भाग रहे हैं और एकदम से अचानक जो है वो भारी चेतना में आए चेतने महाप्रुख गौर सुंदर ने देखा अरे ये क्या है ये नवदीप वासी सब भाग रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं ये सब तो भयभीत हो रहे हैं अरे ये क्या किया मैंने माए बहुत दुखी हुए मैंने लोगों के मन में भय उत्पन्न किया शिवास ये अपराध है लोगों के मन में भय उत्पन्न करना यह अपराध है शिवास ठाकुर ने उत्तर दिया जिस किसी ने आपका नाम लिया है निमाई जिस किसी का नाम लिया है आपने जिस किसी ने आपके नामों का उच्चारण किया है गौर सुंदर गौर हरी जानते क्या हुआ है उसके कोटी कोटि अपराध कट गए हैं कोटि कोटि अपराध करोड़ों करोड़ों अपराध कट गए आप नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं इसमें किसी प्रकार का अपराध नहीं है लेकिन हालांकि हाँ क्या हुआ है वास्तव में जिन लोगों ने भी आपका इस रूप का दर्शन किया वो तुरंत ही तत्काल ही भव सागर से छुटकारा पा चुके हैं भव बंधन से छुटकारा पा चुके हैं हाँ और यह कहकर शिवराज ठाकुर ने फिर उनकी पूजा की आराधना की उस रूप की और सब लोग बड़े संतुष्ट हुए और बाद में फिर गौर सुंदर गौर हरी अपने घर वापस चले गए अब क्या समय आया नित्यानंद प्रभु अब जानते नित्यानंद प्रभु नवदीप से न, नहीं थे वो तो एक चक्रगाम में रहते थे बारह वर्ष की उम्र में नित्यानंद प्रभु ने एक चक्रग्राम छोड़ा था और शंकरारण्यपुरी के साथ लगभग बीस वर्षों के लिए पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी भारतवर्ष की यात्रा करते करते जब ब्रज पहुंचे थे तो वो ढूंढ रहे थे कहा है कृष्ण कहा है कृष्ण जिस कृष्ण को मैं ढूंढने आया था वो तो मिल ही नहीं रहा है ये लीला लुप्त सी हो गई हैं कहां है कृष्ण कहां है कृष्ण ब्रज में कहीं कृष्ण दिख नहीं रहे हैं तो किसी ने कहा जिनको आप ढूंढ रहे हैं जिस कृष्ण को ढूंढ रहे हैं वो नवदीप में प्रकट हो चुके हैं अब वो संकीर्तन शुरू करने वाले हैं वो अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करने वाले हैं वो समझ गए नित्यानंद प्रभु की महाप्रभु संकीर्तन शुरू करने वाले हैं तो मैं यहां क्या कर रहा हूं फिर ब्रज में और नित्यानंद प्रभु जो है ब्रज से कहां पर आ गए नवदीप में आ गए और वहां जब पहुंचे नित्यानंदपुर नवदीप में महाप्रभु जानते थे कि ये सब संक्षेप में बता रहा हूं ये अपने आप में एक अलग घटना है तो महाप्रभु जो है उस समय जानते थे क्योंकि महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर शिवास ठाकुर इन सबको भेजा था कि आप पता लगाओ कि नित्यानंद प्रभु कहाँ हैं नित्यानंद प्रभु बहुत ही ज्यादा गोपनीय हैं गुयतम हैं कॉन्फिडेंशियल हैं उनको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है नवदीप में ज्ञानियों के घर वैश्यों के घर योगियों के घर सांसारिक विषय लोगों के घर पे ढूंढते ढूंढते थक गए नौ घंटे लगातार ढूंढते रहे लेकिन कई नित्यानंद प्रभु मिले ही नहीं चैतन्य महाप्रभु का चिंता मत करो हम चलते हैं साथ में तो चैतन्य महापुर निकल पड़े इन भक्तों को लेकर मुरारी गुप्त के घर के बाहर से निकल रहे थे मुरारी आ जाओ तुम भी आ जाओ मुरारी हम चलते हैं नित्यानंद प्रभु को ढूंढने के लिए तो सब एक साथ लिए और कहां पहुंचे नंदन आचार्य के घर पे नंदन आचार्य घर वो स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु का प्रथम मिलन हुआ नित्यानंद प्रभु के साथ और वहां जब मिलन हुआ तो वहां खूब उदंड कीर्तन भाव वेश में आ गए स्तब्ध हो गए एक दूसरे को देखते रहे और सारे प्रेम के लक्षण प्रेम के विकार सारे प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु नित्यान प्रभु एक साथ पहली बार जब वहां पर मिले और शिवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु एक तरह से गिर भी गड़े उछल उछल के जो है कूद कूद के जो नीचे गिर रहे थे ने तो इशारा किया श्रीवास ठाकुर को कि आप भागवत के श्लोकों का उच्चारण करो तो ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक बरा पीड़म नट बर बपु कर्ण यो कर्म विव्र कनक कपिशंब वी चमालाम वेणु मधर सुदया पूयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम सपद रमणम यानी कि कोप सखा ग्वाले जो कृष्ण की कीर्ति का गुणगान करते हैं वो कृष्ण आज जो है एक नर्तक वेश में प्रकट हुए हैं पीताम्बर वस्त्र उन्होंने धारण किया है वैजयंती माला धारण किया है मोर मुकुट उनके सर पर है और कर्णिकार पुष्प जो है उनके कानों में है बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण हमारे जब वो वन में प्रवेश करते हैं तो पूरा वन जो है वो क्या हो जाता है रमणीय स्थान बन जाता है रमण करते हैं आनंद लेते हैं और सब जगह उनके शुभ चरण चिन्हों के चरण के जो चिन्ह हैं वो अंकित हो जाते हैं उस ब्रज में उस ब्रज धूलि में और क्या करते हैं श्री कृष्ण वो वेणु के द्वारा जो है अपने वेणु वेणु को अध्राम से भर देते वेणु जब बजाते हैं तो अपने अध्राम से भर देते हैं वेणु को इस तरह से गोपियां जो रहे हैं। रहे है स्तुति कर रही हैं गुणगान कर रही हैं श्री कृष्ण का जो अभी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं hmm. तो ये सुनकर शिवराज ठाकुर ने जब यह कहा तो नित्यानंद प्रभु जो है सारे प्रेम के लक्षण प्रकट करने लगे अष्ट सात्विक भाव और फिर विश्वाम चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को संभाला और कुछ दिनों के बाद इस घटना के बाद क्या हुआ चैतन्य महाप्रु ने वास्तव में संकेत दिया उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु को कि आप कल अब एक दो दिन बाद अगले दो दिन बाद व्यासदेव शिला व्यास, शिल व्यास पूजा है हमें व्यास पूजा कर बनानी है तो नित्यान प्रभु को कहा तो उसकी तैयारी की जा रही थी शिवास ठाकुर से कहा कि शिवास आप तैयारी करिए इसकी शिवास ने कहा कि मैं तैयारी करूंगा लेकिन मुझे एक पुस्तक देखना पड़ेगा शास्त्र में इसके बारे में क्या विवरण दिया गया है और एक दिन पहले आदिवास मनाया गया आदिवास में खूब कीर्तन हुआ आदिवास एक दिन पहले होता है आविर्भाव के एक दिन पहले तो आदिवास मनाया जाता है यानी कि तैयारी की जाती है कि कल वैष्णव प्रकट होने वाले हैं वैष्णव का आविर्भाव है या भगवान का आविर्भाव है और उसकी तैयारी के लिए हम एक दिन पहले ही जो है सारी व्यवस्था करना शुरू करते हैं खूब कीर्तन होता है आदिवास कीर्तन और समय चैतन्य महाप्रभु जो है वो बलदेव जी के बलराम जी के आवेश में आ गए ये दिखाने के लिए कि ये जो नित्यानंद प्रभु हैं ये साक्षात बलराम जी हैं अवतार नहीं है बलराम जी के साक्षात बलराम जी है नित्यानंद प्रभु और उसके बाद अद्वैत आचार्य को देखकर चैतन्य महाप्र का नाड़ा 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 का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की वजह से सब कुछ चलायमान है सब कुछ मूव करता है ये वो अद्वैत आचार्य हैं जिनकी पुकार से मैं धाम से अवतरित हुआ हूं तो इस प्रकार जो है व्यास पूजा से पहले कि एक दिन के पहले की तैयारी है और उस दिन फिर क्या हुआ अगले दिन शिवराज ठाकुर जो हैं सारी व्यवस्था करने लगे और वो उस उत्सव के आचार्य थे उन्होंने सब कुछ करवाना था और उन्होंने कहा नित्यान प्रभु से ये नित्यान्नप्रभु माला लीजिए व्यासदेव जी को बनाइए नित्यान प्रभु ने माला तो ले लिया लेकिन ऐसे खड़े उनकी आंखें टिकी रह गई वो देखते रह गए अब नित्यान्त प्रभु अवदूत हैं कब कैसा व्यवहार करेंगे पता नहीं वो माला लेके ऐसे खड़े हो गए उनका नित्यानंद नित्यान प्रभु ही। व्यासदेव जी को माला पहनाइए वो हिल ही नहीं रहे थे शिवास ठाकुर ने कहा क्या हो गया नित्यानंद प्रभु व्यासदेव जी को माला पहनाइए तो महाप्रभु ने देखा कि नित्यानंद प्रभु तो हिल ही नहीं रहे हैं महाप्रभु की तरफ इशारा किया शिवास ठाकुर ने कि ये तो माला नहीं पहना रहे हैं महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु व्यासदेव जी को माला तो पहनाना होगा ना माला पहनाइए ना आप तो फिर जब नित्यान प्रभु ने सुना कि महाप्रभु कह रहे हैं तो एकदम से फिर हलचल सी हो गई और वो सोचने लगे क्या करूं मैं और जानते क्या हुआ नित्यानंद प्रभु ने वो माला जो है महाप्रभु को बना दी हरी हरी अद्भुत कार्य है नित्यानंद प्रभु का वही जानते हैं नहीं तो इस प्रकार अब जो है महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु से और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को सठभुज रूप दिखाया जिसमें क्या था हल था मुशल था और शंख चक्र गदा गधापद ये षठभुज रूप कई तरह के षठभुज रूप है चैतन्य चरता में चैतन्य भागवत में बहुत सारे षटभुज रूप है तो उसमें से एक षठभुज रूप है जिसमें क्या होता हल था प्लो और मूशल गदा और साथ में शंख चक्र गधापद में तो छठभुज रूप दिखाया और उसके बाद क्या हुआ व्यास पूजा के अंत में महाप्रु ने सभी भक्तों को आज्ञा दी कि हम सब आप संकीर्तन करेंगे कार्यक्रम करेंग समाप्त हो गया आप खूब कीर्तन होना चाहिए संकीर्तन पहले भी संकीर्तन और बीच में कार्यक्रम और उसके बाद बाद में फिर से संकीर्तन बिना हरि नाम के बिना संकीर्तन के कोई कार्यक्रम नहीं होगा कोई पूजा नहीं होगी कोई सेवा नहीं होगी सारी सेवाओं में संकीर्तन होना आवश्यक है क्योंकि ये कलयुग का धर्म है तो खूब संकीर्तन हुआ और उसके बाद महापुरुष शिवास ठाकुर को कहा कि प्रसाद की व्यवस्था करें प्रसाद का वितरण हो और चैतन्य महाप्रुष जानते हैं सभी भक्तों को यानी कि शिवास ठाकुर के जो सेवक थे उन सबको भी चैतन्य महाप्रुष स्वयं प्रसाद का वितरण किए सबको प्रसाद बांटा चैतन्य महाप्रुष गौर सुंदर गौर हरि ने अब महाप्रभु जो है शिवास ठाकुर की परीक्षा लेना चाह रहे थे शिवास ठाकुर को कहा महाप्रभु ने शिवास ये जो नित्यानंद है यह तो अवधूत है ये पता नहीं इसके कुल का इसके पता नहीं इसके गोत्र का पता नहीं कौन सी जाति है इसकी तुमने इसको घर में क्यों रखा है निकालो यहां से ऐसी महाप्रु परीक्षा लेना चाह रहे थे शिवास ठाकुर की परीक्षा की कितनी श्रद्धा है उनकी कितना विश्वास है कितना कितना अटूट विश्वास है नित्यांतरो का ये दिखाना चाहते हैं भाई इसका कुल का पता नहीं जाति का पता नहीं गोत्र का पता नहीं कौन से परिवार से पता नहीं निकालो उसको घर में क्यों रखा हुआ है तुम्हारे घर को दूषित कर रहा है तुम्हारा घर तुम्हारा जो कुल है तुम्हारा गोत्र है तुम्हारा परिवार है सब जो है दूषित हो जाएगा नष्ट हो जाएगा और उसके बाद तो ऐसा जब बोला महाप्रभु तो ने जो शिवास ठाकुर ने बहुत सुंदर बात बोली और ये चैतन्य भागवत में आता है मदिरा मदिरा यवनी यवनी यदि नित्यानंद धरे मदिरा यवनी।, यवनी का मतलब होता है ये फेमिन जेंडर यवनी अगर वो मदिरा का पान किए हुई है अगर वो नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लेती है यदि प्रार्थना यदि मोर नाश करे और इस कारण से जो है मेरा कुल मेरा परिवार आ, मेरी जाति मेरा सब कुछ जो है दूषित हो जाता है सब कुछ हो जाता है सब कुछ दूषित हो जाता है तथा भी मोहार चित्ते नाही का अन्य था सत्य सत्य तुम्हारे कही लू यही कथा तब तो उसके बाद बोले भले ही मेरा परिवार मेरा कुल मेरा प्राण मेरा सब कुछ आत्मा सब कुछ जो है दूषित हो जाए लेकिन भी मैं नित्यानंद प्रभु को नहीं छोड़ूंगा ये सत्य है यह सत्य है यह सत्य है ऐसा शिवाज ठाकुर ने कहा अगर गुरुदेव अगर मदिरा के दुकान में जा रहे हैं तो वहां प्रचार करने जा रहे हैं वो मदिरा के दुकान में जो खड़ा है उसको ऐसा प्रचार करेंगे कल से वो दूध बेचने लगेगा ये, ये ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ऐसे इंग्लैंड में एक कथा है एक फैमिली थी जो पहले स्लॉटर हाउस चलाती थी कसाई खाना था कसाई थे वो और प्रभुपा जी की बुक्स पढ़कर भगवत गीता पढ़कर जानते हैं क्या क्रांति आई उन्होंने वो स्लॉटर हाउस बंद कर दिया और डायरी फार्म खोल लिया ये चमत्कार आज भी होता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से इसलिए प्रभुपा जी कहते हैं हम हैं नित्यानंद वंश के नित्यानंद वंश का मतलब क्या है कि आपने कितने जगायधाओं का उद्धार किया है तभी तो आप कह सकते हो कि हम नित्यानंद परिवार के अगर आप नित्यानंद परिवार के हो तो जगा मधाई का उद्धार भी करके दिखाओ जो शिलािला करके कर दिखाया तो इस प्रकार तो फिर शिव ठाकुर इस तरह से जब बोले तो महाप्रभु जो है प्रसन्न हुए शिवाज ठाकुर की इन बातों को सुनकर महाप्रभु सिंह hey की तरह धारने लगे हे श्रीवास आपकी इतनी अटूट शुद्धा है नित्यानंद प्रभु में जान आप कैसे जानते हो नित्यानंद प्रभु को मेरे नित्यानंद प्रभु को तुम कैसे जानते हो वो तो बड़े गोपनीय है बड़ा कॉन्फिडेंशियल है तुम कैसे जान गए तो शिवास महाप्रभु ने कहा कि मैं आपसे बड़ा प्रश्न हूं मैं आपसे बहुत खुश हूं अब चेतन महाप्रभु ने देखिए एक वरदान दिया शिवास ठाकुर को क्या वरदान दिया सुनिए यदि लक्ष्मी भिक्षा खोरे नगर नगरे अगर लक्ष्मी जी को नगर नगर जो है भ्रमण करना पड़े भीख मांगना भी पड़े हो सकता है भीख मांगना पड़ जाए हो सकता है कि लक्ष्मी जी को भीख मांगना पड़ जाए नगर नगर गांव गांव जाकर लक्ष्मी जी भीख मांगने लग जाए हो सकता है कभी हो सकता है चैतन्य महापुर हो सकता है कि लक्ष्मी जी को भी भीख मांगना पड़ जाए नगर नगर शहर शहर जाकर लेकिन शिवा तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी वरदान दे दिया महापुर ने और क्या चाहिए बताइए ऐसा वरदान आप सब भक्तों को मिल जाए तो आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी जहां योगेश्वर कृष्ण है जहां धनुर्धर अर्जुन है वहां पे विजय है वहां अलौकिक शक्ति है वहां ऐश्वर्य है वहां नीति है संजय ने कहा भगवदगीता के अंत में अनन्य तो आ ये जना परयुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षमम महामेहं जो कमी है उस कमी को मैं पूरा करता हूं और जो आपके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं तो चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से आशीर्वाद मिल गया और उन्होंने कहा महाप्रभु शिवास को कहा शिवास मैंने आपको नित्यानंद प्रभु सौंप दिए हैं अब इनकी जिम्मेदारी आप लो इनको संभालो आप अब वो समय आ गया था जब शिवाज़ ठाकुर के घर में संकीर्तन शुरू हो गया था कौन से दिन शुरू हुआ था एकादशी के दिन श्री हरि हरिवासरे हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण पुण्यवंता श्रीवासंगने शुभ आरंभ उठिला कीर्तन ध्वरी गोपाल गोविंद तो इस तरह से शिवाज़ ठाकुर के घर पर संकीर्तन शुरू हुआ हरिवासर हरिवासर का मतलब होता है एकादशी का दिन और उस दिन हरिवास करते हैं साक्षात और उस दिन क्या होना चाहिए कीर्तन का विधान है एकादशी के दिन खूब कीर्तन होना चाहिए 24 घंटे कीर्तन दिन में भी रात में भी संकीर्तन होना चाहिए तो इस तरह से जो है एक रात्रि को चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार नृत्य कीर्तन शुरू किए कहने का मतलब है शिवास ठाकुर का घर वो स्थान है जहां पे संकीर्तन आंदोलन हमारा शुरू हुआ है शिवाज ठाकुर की शाखाएं हैं ये सब स्कॉन के सेंटर्स जितने भी इस्कॉन के सेंटर्स हैं पूरे भर में शिवाज ठाकुर के घर में जो हो रहा था वही हमारे मंदिरों में हो रहा है शिवाज ठाकुर के घर में संकीर्तन होता था शिवाज ठाकुर के घर में नृत्य होता था शिवाज ठाकुर के घर में प्रसादम होता था और हमारे मंदिरों में भी यही तो होता है तो आज ही चैतन्य महापुर की संकीर्तन लीला जारी है और उनके भक्त आज भी मौजूद हैं जो संकीर्तन कर रहे हैं और प्रसाद का वितरण कर रहे हैं तो आप सब शिवाज ठाकुर के घर से ही हो शिवास ठाकुर के घर जो है वो तो बेसिकली क्या है एक वहां एक, एक मोमेंटम जो है क्रिएट किया गया है संकीर्तन का और वो संकीर्तन जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा पूरे यूनिवर्स में फैलेगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन किया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दरवाजा बंद कर दो तो कोई नहीं आएगा भीतर क्योंकि इस समय जो शिव चैतन्य महाप्रभु शिवाज ठाकुर के घर पर अगर संकीर्तन शुरू किया था वो केवल अंतरंग पार्षदों के साथ अभी पब्लिक के लिए नहीं किया तो केवल अंतरंग पार्षदों के लिए अनुमति थी नो आउटसाइडर्स अलाउड नो एडमिशन परमिशन नो एडमिशन जैसे हमारे वो राधाकुंड के जो है मोहन पांडा जी हैं वो बोलते नो परमिशन नो एडमिशन नो राधाकुंड ठीक है ना तो यानी कि अगर कृपा नहीं होगी अनुमति नहीं होगी तो प्रवेश नहीं मिलेगा अधिकार नहीं है भजन करने का तो वापस जाओ दिल्ली तो इस तरह से जो है महाप्रु ने आज्ञा दी उन्हें कहा कि सारे दरवाजे बंद कर दो और कोई बाहर से नहीं आएगा जिसको निंदा करनी है करने दो हम कीर्तन करें हम नृत्य करेंगे कीर्तन करेंगे जो बाहर से चिल्लाना चाहते हैं चिल्लाते रहें लोग जो है चिल्लाते थे लोग बुराई करते थे ये लोग जो है खाली पेड़ चिल्ला रहे हैं लगता है इनको कुछ खाने को मिलता नहीं है या लगता है इन्होंने मदिरा का पान किया हुआ है ये तो वास्तव में सब काली के उपासक हैं तो इस तरह से तरह तरह की बातें लोग करते थे लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था वो अपना संकीर्तन उन्होंने जारी रखा और लेकिन जिस तरह से गोपियों को लगा रास तीला की वो रात जो है ऐसे लग रही थी कुछ क्षणों में बीत गई है इसी तरह संकीर्तन जो हो रहा था पूरी रात्रि को होता था और पूरे साल हुआ उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि संकीर्तन तो कुछ ही समय के लिए हुआ है समय बीत कैसे बीत गया पता ही नहीं चला समय इतनी जल्दी बीत गया ऐसा होता कि नहीं होता कई बार कि आप अगर रसगुल्ला पारे होते हैं शाही पनीर होता है और पाने के बाद लगता है बहुत जल्दी खत्म हो गया प्रभु जी अरे पिछले एक घंटे से बैठो भैया थाली के सामने और लोग भी संसार में है पाने के लिए उठो इधर राजस्थान में बड़ा अच्छा करते हैं सिस्टम बड़ा अच्छा राजस्थान में वहां पापड़ देते हैं पापड़ का मतलब है आगे कुछ नहीं मिलेगा <laughs> वहा बढ़िया सिस्टम है पापड़ दिस दे दिया उसके बाद हरे कृष्णा <laughs> तो ऐसी कुछ करना पड़ेगा हमें पापड़ देना पड़ेगा सबको तो तो इस तरह से लेकिन पता नहीं चलता है कई बार आनंद आता है कभी आपको बड़ा अच्छा लगता है और रिलिश कर रहे होते हैं आप कुछ चीज तो ऐसा लगता है यार तो बहुत जल्दी खत्म हो गया बहुत जल्दी समाप्त हो गया तो तो यहां पर ऐसे ही संकीर्तन हो रहा था और लग रहा था भक्तों को यार कुछ ही क्षण बीते हैं यार अभी तो हमने अभी भी तो आए थे हम संकीर्तन करने के लिए और इतने में जो है सुबह हो गया सूर्य उदय हो गया ये क्या बात है और उसके बाद महाप्रभु ने एक समय रात्रि के अंत में क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने अपना भगवत आवेश अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु कभी भगवत आवेश में होते थे अपने कुछ अंतरंग पार्षदों को दिखाई देते थे दिखा देते थे कि वही वास्तव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण लेकिन हमेशा नहीं कभी कभी बहुत बहुत कम समय और कुछ ही अंतरंग अंतरों के सामने लेकिन अधिकांश जो है निमाई गौर सुंदर गौर गौरहरी जो है भक्त के भाव में रहते थे लेकिन आज क्या वो रात्रि के अंत में जो है बताया जा रहा है महाप्रभु भगवत आवेश में प्रकट हुए और शालिग्राम शिलाएं जितनी थी वहां पर उसको लेकर अपने गोद में रखकर और वो कहां बैठ गए विष्णु के सिंहासन में बैठ गए चेतन महाप्रभु और सबसे भोगार्पण स्वीकार किया भोग स्वीकार किया सभी भक्तों से नाना प्रकार के भेंट चैतन्य महाप्रभु को सब देने लगे वो सारा भोग गौर सुंदर गौर हरि ने भक्तों से स्वीकार किया और दूसरी घटना ऐसी है इसी ने शिवास ठाकुर के घर पर महाप्रभु की महाप्रकाश लीला हुई महाप्रकाश लीला यानी षठ प्रहरी लीला लगभग 21 घंटे के लिए चैतन्य महाप्रु ने महाप्रकाश लीला की और जो भी भक्त आए थे उन सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया आशीर्वाद दिया और यह चैतन्य भागवत के मध्य मध्यकर्ण के नौवे अध्याय में दिया हुआ है ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि फिर से उन्होंने भगवत आवेश प्रकट किया भगवत आवेश प्रकट किया विश्व के सिंहासन पर बैठे लगभग इक्कीस घंटे में और सारी सभी भक्तों को जो है आशीर्वाद दिया सारी उनकी इच्छाएं पूरी की और भक्तों ने क्या किया उनका अभिषेक किया चैतन्य महाप्रु का अभिषेक हुआ वेदी में बिठाकर और उसके बाद चैतन्य महाप्रु ने सबसे भेंट स्वीकार किया कुछ लोगों ने पुष्प दिए फूल दिया माला दी दि। नाना प्रकार के भेंट अर्पित किए गए चैतन्य महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु सारे भेंटों को स्वीकार किया अपने चरणों को आगे फैला दिया और सारे भेंटों को स्वीकार करते रहे लगभग इक्कीस घंटे तक जो है लीला चलती रही महाप्रु अब हुआ क्या सबको कृष्ण प्रेम ने तो दे दिया श्रीवास ठाकुर ने पूछा महाप्रु से कहा महाप्रभु हम तो यह भी चाहते हैं कि शची माता को भी आप कृष्ण प्रेम दें। आपने शची माता को कृष्ण प्रेम नहीं दिया बाकी सबको दे दिया तो गौर सुंदर कहते हैं शिवास मैं शची माता को कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता उन्होंने वैष्णव अपराध किया है तो शिवास ठाकुर बोल रहे हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं गौर सुंदर वो तो आपको जन्म देने वाली हैं कभी कोई माता अपराध कर सकती है अपने पुत्र के प्रति अगर वो अधिकार नहीं है उनको कृष्ण प्रेम का तो किसको अधिकार है वो तो जगत माता है वह हम सब की माता है आप उनको क्यों वंचित कर रहे हैं निमाए अगर उन्हें अपराध किया भी है तो उन अपराधों को नष्ट कर दो ना आपके पास शक्ति है गौर सुंदर ने कहा यह शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं समझा सकता हूं लेकिन मैं ये वैष्व अपराध से छुटकारा नहीं दिला सकता जिस किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है उसी वैष्णव के पास जाकर जो है क्षमा याचना हो, करनी होगी दुर्वासा मुनि की कथा नहीं जानते तुम अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था और दुर्वासा मुनि वैकुंठ तक चले गए वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास चले गए लेकिन भगवान ने क्या बोला वापस जाओ अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरो भूल गया आप तो वो घटना तो इस प्रकार से जो है वो नहीं देना चाह रहे थे अब उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है इसका क्या उपाय है अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध हुआ है अद्वैत आचार्यों के चरणों की धूलि अगर शची माता अपने पस्तक में धारण कर लेंगी तो यह अपराध जाके तब कटेगा तो ये अद्वैत आचार्य के पास गए अद्वैत आचार्य ने बोला कि आप ये कहकर मुझे मारना चाहते हो क्या हाँ। गौर सुंदर गौर हरी की माता जिन्होंने प्रकट किया है गौर सुंदर गौर हरी को इस जगत में वो हमारी माता भी हैं वो मेरी माता भी है और मैं भी उनके चरण धोने के लिए जो है हमेशा प्रेरित रहता हूं ऐसा अद्वैत आचार्य ने कहा ये आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं आप क्या जानते नहीं है कि माता गंगा में और सचि माता में कोई भेद नहीं है सची माता साक्षात माता देवकी है माता यशोदा है आप ये क्या कह रहे हो तो अद्वैत आचार्य ने जैसे ये बोला वो एकदम से भाव भावेश में आ गए सारे प्रेम के लक्षण प्रकट होने के अद्वैत आचार्य में और अद्वैत आचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े शचि माता दौड़ी दौड़ी आई कहा यही मौका है वैसे तो अद्वैत आचार्य कभी अपनी चरण धूलें देंगे नहीं तो शची माता ने चरण ली और अपने माथे पे लगा ली और शची माता ने जैसी चरण धूलि अपने माथे पर लगाया वो भी भाववेश में आ गई उनमें भी प्रेम के सारे विकार प्रकट होने लगे और शची माता भी मांछित होकर गिर गई अद्वैत आचार्य मूर्छित पड़े यहां पर और सचि माता यहां मूर्छित पड़ी है और उस समय भक्त लोगों ने क्या किया सब इकट्ठे हो गए सब लोग संकीर्तन करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो इस लीला के माध्यम से चैतन्य महापुरुष सिखा रहे हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए हुआ क्या था कौन सी बात थी है? ऐसे कि सची माता से गौर सुंदर गौर हरी जो है खुश नहीं थे हुआ यह था कि उनके बड़े भाई विश्वरूप थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था न्यास लेके चले गए थे क्योंकि उनकी विवाह की तैयारी हो रही थी तो विश्वरूप विवाह करना नहीं चाहते थे तो रातों रात निकल गए वो सन्यास लेने के लिए अब जबरदस्ती करोगे तो कौन रुकेगा तो वो चले गए फिर संन्यास लेने के लिए अब सची माता बिचारी बहुत चिंतित हो गई बहुत बिचारी वो दुखी हो गई क्या किया जाए मन ही मन सोचने लगी ये विश्वरूप जो है मेरा लड़का प्रत्येक दिन जाता था अद्वैत आचार्य के पास क्योंकि अद्वैत आचार्य का घर जो है बहुत नजदीक शिवास ठाकुर के घर के बिल्कुल सामने अद्वैत आचार्य जो है उनका घर शांतिपुर में भी है लेकिन शांतिपुर में इतना समय नहीं बिताया उस समय जब तक निमाई गौर सुंदर नवदीप में थे संन्यास लेने से पहले तब तक अद्वैत आचार्य अधिकांश समय अपना मायापुर में ही बिताते थे और आचार्य का घर बहुत नजदीक था शिवास ठाकुर के तो इसलिए जो है रोज विश्वरूप जाते थे अद्वैत आचार्य के घर पे वहां पे जो है सभा बुलाई जाती थी उस सभा में जो है दिग्गज आश्रम आया करते थे और कथा होती थी कृष्ण कथा होती थी भागवत के ऊपर भगवद गीता के ऊपर और इन सब को सुनने के लिए विश्वरूप जाते थे और वो इतने प्रभाव में आ गए तो उन्हें कहा अद्वैत आचार्य के प्रभाव से ही सब कुछ हुआ है मनी मन ही मन सोच रहे हैं सची माता वात्सल्य प्रेम है ना उनका निमाई के लिए विश्वरूप के लिए तो उस प्रेम के कारण वह ऐसा, ऐसा सोच रही ये अद्वैत आचार्य के प्रभाव से हुआ है और रोज जाता था उनसे हरी कथा सुनने के लिए ये अद्वैत आचार्य वास्तव में अद्वैत नहीं है तो द्वैत से भरे हुए हैं ये द्वैत से भरे हुए हैं मनी मन ऐसा सोचने लगे तो ये जो है गौर सुंदर गौर हरी नोट कर लिया कि इस प्रकार विचार रखनी शचि माता इनको मैं कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा तो ये तो प्रेम के कारण है जहां प्रेम होता है वहां कोई अपराध नहीं होता है और जहां सारे नियम होते हैं वहां पर तो प्रेम होता नहीं है वहां सारे अपराध लगते हैं जहां पर प्रेम नहीं होता है वहां सारे अपराध लगते हैं और जहां प्रेम होता है वहां कोई अपराध नहीं लगता समझ रहे आप तो इस प्रकार तो है शचि माता को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ शिवास ठाकुर के घर पे और एक समय एक और घटना बहुत सुंदर घटना है क्या हुआ कि चैतन्य महापुरुष संकीर्तन कर रहे हैं शिवास आंगन में बहुत सुंदर संकीर्तन चल रहा है नृत्य चल रहा है और चैतन्य महापुरुष चूंकि अंतर्यामी है उनको लगा कुछ गड़बड़ है कोई बाहर का व्यक्ति जो है घर के भीतर घुस गया है आज संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है कभी कभी होता है ना ऐसा कि सं संकीर्तन बड़ा आनंद आता है लेकिन कई बार आनंद नहीं आता है बड़े मुश्किल से भक्तों को निकालना पड़ता है चलो प्रभु जी नाम है तो कोई वो रो पटके में जा रहा है मृदंग करताल ऐसा लगता है शोक सभा में जा रहे हैं कहीं <laughs> नहीं होता है नहीं होता है कई बार ऐसा तो ऐसे में महापुरुष सोचा आज बड़ा आनंद नहीं आ रहा क्या बात है आज कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है नृत्य करने में कीर्तन करने में लगता है यहां बाहर का कोई व्यक्ति यहां पर आ गया शिवास कौन है यहां पर देखो घर के भीतर कौन घुस गया छुप छुप के देख रहा है कोई और पता गया घर के कोने में शिवास ठाकुर की सास छुप कर देख रही थी संकीर्तन को महाप्रु के नृत्य को और संकीर्तन को छुप कर देख रही थी शिवास ठाकुर की सास शिवास ठाकुर ने देखा अरे ये कैसे आ गई इधर शिवास ठाकुर ने उनके साथ अपनी सास के केश को पकड़कर उनको भार कर दिया चलो भार नो परमिशन नो एडमिशन यहां पे नहीं प्रवेश है सबके लिए यहां केवल महाप्रु की जब तक कृपा नहीं होगी आप इस संकीर्तन को नहीं देख सकते तो अपने ही सास को बाहर कर दिया शिवाज ठाकुर ने बाल पकड़ के केश पकड़ के चलिए तो ये घटना है और दूसरी घटना एक बहुत सुंदर घटना है हमारे ब्रह्मचारियों के लिए तो एक बार एक ब्रह्मचारी बड़ा उत्सुक था बड़ा लालयी था वो आए शिवराज ठाकुर के घर पर उसकी बड़ी इच्छा हुई प्रत्येक रात्रि को यहाँ संकीर्तन होता है नृत्य होता है हम भी देख लें उसके बाद प्रसाद भी मिल जाएगा नहीं प्रसाद का तो खैर उसका नहीं था क्योंकि वो ब्रह्मचारी इतना तपस्वी था केवल दूध पीता था केवल ओनली मिल्क दूध पीकर जीवन निर्वाह करता था बहुत तपस्या करता था तो उसी मन ही मन ये विचार होने लगा उसको कि मैं क्योंकि केवल दूध पीता हूं तो मुझे पूरा अधिकार है महापुरु का संकीर्तन देखने का तो घर के कोने में छुप कर देख शिवास ने गाय तो बड़ा सात्विक व्यक्ति है बहुत तपस्या करता है केवल दूध ही पीता है और तो इसको शायद अनुमति दे देनी चाहिए ठीक हो ठीक है सुनो छुप कैसे देख लेना और इधर उधर मत घूमना तो महाप्रु संकीर्तन करने लगे एज यूजल और चैतन्य महाप्रु की अंतरयामी है और फिर कहने लगे शिवास को शिवास आज पता नहीं क्यों आनंद नहीं आ रहा है मुझे संकीर्तन में नृत्य में फिर से लगता है बाहर का कोई व्यक्ति घुस गया है घर के अंदर हाँ, कोई ना कोई घुस जाता है घर के अंदर संकीर्तन देखना चाहता है देखना चाहता है कौन है ये निकालो उसको तो ने कहा तो 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 <laughs> तो अपने आप मैंने उसको कहा कि आओ देख लो तो शिवास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु गौर सुंदर वो एक ब्रह्मचारी है आपका संकीर्तन देखना चाहता था नृत्य देखना चाहता था आपकी लीलाओं को देखना चाहता था क्योंकि मैंने सोचा वो बहुत तपस्वी है केवल दूध पीकर जीवन निर्वाह करता है इसलिए मैंने उसको अनुमति दे दी भैया एक कोने में खड़े होकर देख लेना मां प्रभु को गुस्सा आया गौर सुंदर को गुस्सा आया उन्हें कहा शिवास जब तक तुम शरणागत नहीं हो जाते हो जब तक कोई शरणागत नहीं हो जाता है भगवान कृष्ण के चरणों में तब तक उसको भक्ति नहीं प्राप्त होती केवल दूध पीकर जो है कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता है इस बनावटी तपस्या से कुछ नहीं होने वाला है शरणागत होना पड़ेगा तो उसको बुलाओ उधर उसको बोला फिर इसको ले जाओ और आगे से ना आए यहां पर तो वो ब्रह्मचारी बड़ा दुखी हुआ और चलते चलते बार बार पीछे की तरफ देखने लगा इशारा करने लगा क्या मुझे अनुमति मिल सकती है क्या मुझे कृपा मिल सकती है आपकी क्या मैं इन लीलाओं को देख सकता हूँ क्या मैं संकीर्तन में का दर्शन कर सकता हूँ महापुर चैतन्य महापुर की कृपा हो गई उसके उस उत्कंठा थी उसके अंदर लौल्य था लालसा थी यह उसके अंदर एक योग्यता थी भले जो है वो केवल दूध पीता था तो दूध पीना जो है भक्ति गांग नहीं है केवल दूध पीना जो है भक्ति गांग तो है नहीं भक्ति करने भक्ति प्रेम भक्ति पर करने के लिए भक्ति तो करनी पड़ेगी ना तो लेकिन महापुर की अपार कृपा हो गई महाप्र ने बुलाया ब्रह्मचारी के आओ और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया गौर सुंदर गौर हरि ने क्या किया अपने चरण उस ब्रह्मचारी के सर पर रख दिए बोलिए गौरंग महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी के ऊपर तो हम लोगों में बड़ा सावधान रहना चाहिए बहुत अधिक तपस्या ना करें और बहुत अधिक प्रसाद भी ना पाए भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें छठा अध्याय सोलह श्लोक जो बहुत अधिक खाता है जो बहुत कम खाता है जो बहुत अधिक सोता है जो बहुत कम सोता है योगी नहीं बन सकता है कि नहीं इसलिए आप निमित अपना जीवन बिताएं रेगुलेटेड लाइफ ठीक से प्रसाद पाओ बढ़िया से प्रसाद पाओ और खूब संकीर्तन करो तो इस प्रकार जो है फिर आ, कृपा हो गई उस ब्रह्मचारी के ऊपर और वो भी जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया उसने एक बार वृंदावन की लीलाओं को व्यक्त करना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु ये शिवाज ठाकुर के घर पर नहीं हुआ था यह चंद्रशेखर आचार्य के घर पर यह घटना हुई चंद्रशेखर आचार्य का घर वहां पर चैतन्य शील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने जो गौड़िया मठ की स्थापना की श्रीधाम मायापुर में जो हेडक्वार्टर था जहां पर शीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने लगभग नौ दस वर्षों के लिए घोर तपस्या की थी और सौ करोड़ नाम लिए थे आंदोलन शुरू करने से पहले प्रत्येक दिन तीन लाख नाम लगभग नौ वर्षों के लिए लिया था सौ करोड़ नाम वो स्थान है चंद्रशेखर आचार्य का घर उसको ब्रजपटन भी कहते हैं वहां पे महाप्रभु लीला शुरू किए थे और सबसे पहला ड्रामा वहीं हुआ था तो ड्रामा करने की जो श्रृंखला है वहीं से शुरू हुई है ऐसा नहीं कि ड्रामा हम लोगों ने शुरू किया है हम तो खैर रोज ही ड्रामा करते हैं लेकिन वो जो नाटक जो भगवान की लीलाओं के ऊपर आधारित था वो पहली बार शुरू हुआ चंद्रशेखर आचार्य के घर पर गौर लीला में और वहां पर बहुत सुंदर नाटिका हुई वृंदावन की लीलाओं को लेकर जिसमें शिवास ठाकुर जो है नारद जी का रोल किए नारद मुनि बनकर आए शिवास ठाकुर वो नारद मुनि है और उसके बाद अद्वैत आचार्य एक विदूषक बन के आए विदूषक मतलब जोकर विदूष का रोल किया उन्होंने और हरिदास ठाकुर ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया और चेतने महाप्रु कौन बने जानते हैं रुक्मणी जी बने लक्ष्मी जी बन गए साक्षात और नित्यानंद प्रभु एक बूढ़ी औरत बने अलग अलग रोल सबको दिया गया था और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर जो हैं, वो बेदी में बैठ गए और लक्ष्मी के रूप के रूप में वात्सल्य भाव प्रकट करने लगे सभी भक्तों में तो इस प्रकार का नाटक हुआ वहां पर चंद्रशेखर के आचार्य के घर पर तो इसलिए हमारा नाटक करना जो है वो प्रमाणिक है नहीं? तो महाप्रभु जो है वो कीर्तन करते थे शिवाज ठाकुर के घर में और प्रत्येक दिन जो है दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था पूरे साल जो है संकीर्तन हुआ पूरे साल शिवाज ठाकुर के घर पर खूब संकीर्तन और जो बेचारे वो पाषाणी लोग थे नास्तिक लोग थे वो लोग आगे मजाक उड़ाते थे और वो जो है क्योंकि देख भी नहीं पाते थे कुछ वो अपमानित करते थे भक्तों को और ऐसे में एक भट्टाचार्य ब्राह्मण थे जिनका नाम था गोपाल चपल ये गोपाल चपल जो है बड़ा द्वेष करते थे शिवाज ठाकुर से उसने एक योजना बनाई शिवराज ठाकुर को बदनाम करने की और उसने जो है कुछ ऐसी सामग्री इकट्ठी की जो काली पूजा में इस्तेमाल किया जाता है जवा फूल लाल रंग का फूल लाल रंग का सिंदूर लाल रंग का चंदन और शराब की बोतल और वहां मीठ शिवाज ठाकुर के घर के बाहर रख दिया रात्रि को शिवास ठाकुर जब सुबह उठे दरवाजा जब खोला तो देखा ये सब पड़ा हुआ है शिवास ठाकुर जोर जोर से हंसने लगे और बोलने लगे देखो 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 मैं तो शक्ता हूं मैं तो देवी का उपासक हूं और लोग सोचते हैं मैं कृष्ण भक्त हूं ये देखो ये है प्रमाण तो शिवास ठाकुर समझ गए थे किसी ने किया है इस तरह से तो शिवास ठाकुर जोर जोर से हंस रहे थे लेकिन जो वहां पे आस के जो पड़ोसी थे जो सज्जन पुरुष थे जो बहुत ही इनका अच्छा संबंध था शिवाज ठाकुर से वो सब जो है वहां पर इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है किसी ने जो है चांद बूझ कर जो शिवाज ठाकुर को बदनाम करना चाहा है और वो गोबर का लेकर आए और गोबर का लेप किया वहां पे साफ किया उस स्थान को अब क्या हुआ कुछ दिनों में ही तीन दिन के भीतर गोपाल चप्पल को जो है कोड़ का रोग हो गया कई बार भक्त पूछते प्रभु आज के समय में कोड़ का रोग क्यों नहीं होता तो कोड़ का रोग नहीं होता तो इसका मतलब क्या वैष्णव अपराधी नहीं हुआ और भी तो रोग है इनको कोड़ का रोग हुआ है इसका मतलब नहीं सबको कोड़ का ही रोग चाहते हो कोड़ का रोग हो तो खुश होना चाहिए कि हमें बुखार ही हो रहा है लेकिन गोपाल चप्पल ने अपराध किया था कि महाभागवत का वो तो भी तो देखो ना आप शिवाज ठाकुर के चरणों में अपराध किया भयंकर वैष्णव अपराध हो गया और उसके बाद एक बार गोपाल चप्पल जो उस कोड़ के कारण तड़प रहा था उसके शरीर से पस निकल रहा था उसके सारे अंग जो है गल रहे थे और वो बेचारा तड़पता तड़पता जो है गंगा जी के किनारे पहुंचा गौर सुंदर गौर हरि के पास जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा गौर सुंदर गौर हरि मुझे माफ़ कर दो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है पूरे शरीर में कोड़ हो गया कोड़ बड़ी भयानक बीमारी होती है इलाज नहीं होता पूरा खून सड़ जाता है इसमें हाँ तो इसलिए जो है वो बेचारा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और चेतने महाप्र बोले जानते क्या बोले चेतन महाप्र इतने गुस्से में थे गोपाल चप्पल को देख के बोले कि तुम तो भक्तों के शत्रु हो गोपाल तुम भक्तों के शत्रु हो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा मैं तो चाहूंगा तुम्हें लाखों लाखों जन्मों तक कीड़े काटते रहे ऐसा बोला गौर सुंदर ने गौर खरीद ने मोहन गुस्सा होगा एकदम से हां तुमने शिवास ठाकुर को बदनाम किया यह दिखाया तुमने कि शिवास काली का उपासक है जाओ तुम रौरव नाम के नरक में सड़ों लाखों लाखों जन्मों तक बाप लोग को तो उसकी हालत खराब हो गई गौर सुंदर गौर हरी ने शाप दे दिया तो कैसे बचोगे बात है जैसे भगवान कृष्ण ने छाप दिया था ना किसको छाप दिया था अश्वत्थामा को तो भगवान अगर छाप देते हैं तो उसका कोई निस्तार ही नहीं है कौन बचाएगा बताइए आपको कोई नहीं बचा सकता फिर केवल भगवान के भक्ति ही बचा सकते हैं किसी ने कहा अश्वत्थामा को कि अगर आप चाहते हो कि बच जाओ आप क्योंकि बहुत समय हो गया है आप भी अपना उद्धार करना चाहते हो तो जाओ बरसाना में जाओ राधा रानी से प्रार्थना करो राधा रानी अगर क्षमा कर देंगी तो कृष्ण क्षमा कर देंगे आप ऐसा किसी ने बोला अश्वत्थामा को वो जो उद्धव कुंड के बाबा हैं उन्होंने अश्वत्थामा का दर्शन किया वो बता रहे थे लंबा चौड़ा माथे पर उसका वो निशान लगा हुआ है वो आया था वहां पे उद्धव कुंड में आया था तो ब्रजवासी उन्होंने उसको कहा था कि अगर आप चाहते हो इससे बचना तो जाओ बरसाना जाओ से प्रार्थना करो तो फिर यहां पर देखो शाप एक तरह से दे दिया गौर सुंदर गौर हरी अब क्या किया जाए गोपाल चबल एकदम से परेशान हो गए और उसके बाद महाप्रुष जब सन्यास लेते ले थे सन्यास लेने के बाद आप जानते शांतिपुर भी गए थे उसके बाद <coughs> और उसके बाद फिर जब सन्यास लेने के बाद जो है विद्यावाचस्पति के घर पर भी, भी गए थे विद्यावाचस्पति के घर से वहां से फिर कुलिया गए थे कौलद्वीप कौलभ द्वीप को कुलिया ग्राम कहा जाता है और यह स्थान जो है बहुत प्रचलित है स्थान को कहते हैं अपराध भंजन कुलिया अनेक अपराधी वहां पर आए थे उन सब ने क्षमा याचना की थी उस स्थान में इसलिए वो स्थान पड़ गया नाम पड़ गया उस स्थान का अपराध भंजन कुलिया तो वहां पहुंचे थे गोपाल चपल और गोपाल चप्पल ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की महाप्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है तो महाप्रभु का ठीक है उस समय महाप्रभु के हृदय में दया आ गई कि मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं लेकिन सबसे पहले जाओ शिवास ठाकुर के पास शिवास ठाकुर के चरणों में गिर जाओ उनसे क्षमा याचना करो अगर वो तुम्हें माफ कर देंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो गोपाल चप्पल शिवास ठाकुर के पास आए शिवास ठाकुर ने कहा आपकी कोई गलती नहीं है तो शिवराज ठाकुर ने जो है उनको गले से लगाया और इस तरह से उनके अपराध कटे और उस कोड़ के रोग से वो मुक्त हो गए तो ये गोपाल चौबे की कथा एक घटना और ऐसी एक घटना है, है। देवानंद पंडित की तो देवानंद पंडित उसी कोलभ द्वीप में रहते थे भागवत के बहुत बड़े प्रवक्ता थे और वास्तव में भागवत की कथा करते थे लेकिन उसमें जो भक्ति के बारे में चर्चा नहीं करते थे बहुत बड़े विद्वान थे तपस्वी थे हर दृष्टि से अच्छे थे लेकिन क्या है वो भागवत का अपना ही जो है व्याख्या देते थे तो ऐसे में क्या हुआ एक बार वो प्रवचन दे रहे थे सभा बुलाई गई थी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे शिवास ठाकुर जो उनके घर के बाहर से गुजर रहे थे शिवास ठाकुर ने भागवत के श्लोकों को देखा तो घर के भीतर चले गए और भागवत के श्लोकों को सुनकर भाव के सारे लक्षण जागृत हो गए और भाव के लक्षण क्या जागृत हो गए कि बस सारे प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे और वहीं जमीन पर गिर गए जमीन पर लौटने लगे शिवास ठाकुर रोमांच कंपन सब कुछ सारे शरीर में सारे प्रेम के विकार दिखाई पड़े और शिष्यों ने क्या किया विद्यार्थियों ने क्या किया शिवराज ठाकुर को उठाया और बाहर कर दिया देवानंद पंडित क्योंकि व्यास व्यासास्तर में बैठे थे उनका ये उनकी जिम्मेदारी थी उनका कर्तव्य था गुरु होने के नाते कि वो रोकते अपने शिष्यों को कि आप लोग गलत कर रहे हो ऐसा मत करो उनको बैठने दो शिष्य तो नौ सिखिए थे वो पहचान नहीं पा रहे कि शिवाज ठाकुर महाभागवत हैं ये क्या कर रहे हो उनको उठा के जो बाहर कर रहे हो ऐसा कहा नहीं तो देवानंद पंडित को अपराध लग गया अब चेतने महापुरुष जब भी वहां से गुजरते थे निमाई तो खूब प्रताड़ित करते थे ना डांटते थे देवानंद पंडित को कि तुम भागवत की कथा कर रहे हो लेकिन तो ऐसा लग रहा है जैसे कौवा जो है कौवा बोल रहा है बहुत डांटते थे तो लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं आई लेकिन जब वक्रेश्वर पंडित का सानिध्य प्राप्त हुआ देवानंद पंडित को और वक्रेश्वर पंडित की सेवा की उन्होंने पंडित जब नृत्य करते करते कीर्तन तो भीड़ से उनकी रक्षा करते थे देवानंद पंडित और ऐसे में वक्रेश्वर पंडित की क्या कृपा हुई देवानंद पंडित का हृदय पिघल गया और वो भी गौरव भक्त बन गए तो इस प्रकार जो ये घटना हुई अब यह घटना आती है जो शिवाज ठाकुर के घर में बहुत ही प्रचलित घटना है और वो है चांद काजी का उद्धार घोल भांगार डंग वो स्थान जहां पर खोल को तोड़ा गया यानी कि मृदंग को तोड़ा गया तो एक बार क्या हुआ चेतन महाप्रु देखिए बड़े विनम्रता का भाव प्रकट करते थे खूब संकीर्तन करते थे और सारे भक्त लोग जो है संकीर्तन करते थे खूब कीर्तन होता था चेतन महाप्रु के साथ भक्तों का श्रीवास ठाकुर के घर में और स्थानीय ब्राह्मण जो है वो लोग तरह तरह की बातें करते थे उन्होंने कहा कि अब देखो नवदी में अकाल पड़ने वाला है नवदी में सारा मंगल होने वाला अशुभ होने वाला है ये लोग वैदिक शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं मंत्र का उच्चारण इतने जोर से थोड़ा किया जाता है इससे तो सारी शक्ति खत्म समाप्त हो जाएगी और चातुर्मास के समय ये लोग इतना जोर जोर से संकेत कर रहे हैं भगवान तो विष्णु तो इस समय विश्राम कर रहे होते हैं योग निद्रा में और इतना जोर जोर से ये लोग कीर्तन करेंगे तो उनकी निद्रा भंग नहीं हो जाएगी और तो तरह तरह की बातें लोग करते थे पाषाणी लोग जो होते नास्तिक लोग होते थे तो ये सो कॉल्ड तथागत जो स्थानीय ब्राह्मण थे वो चांद काजी के पास गए उन्होंने शिकायत लगाई कि हमारा जो है धर्म जो है खतरे में है काजी साहब आप थोड़ा बचाइए ये तो वेदों शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और हमें तो लगता है कि आपका कौम भी इसके कारण से कारण जो है खतरे में होगा तो काजी ने सोचा अच्छा ये बात है चांद काजी तो क्या है उसका टाइटल था वैसे उसका नाम था मौलाना सिराजुद्दीन तो ये मौलाना सिराजुद्दीन चांद काजी उसको जब पता चला अच्छा उसने कहा ये बात है तो हम जाके खुद जाके देखेंगे तो चांद काजी वहां पहुंचे अपने सैनिकों के साथ शिवाज ठाकुर के घर पे देखा कि संकीर्तन हो रहा है और जब देखा तो बड़े क्रोधित हुए उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ पर संकीर्तन करते हो इतना जोर जोर से कीर्तन करते हो हाँ? आज के बाद अगर तुम लोगों ने संकीर्तन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और इस तरह से चांद काजी ने जो है क्या किया वहां एक मृदंग उठाया और मृदंग को तोड़ डाला मृदंग को तोड़ डाला और भक्तों को पीटना शुरू किया यह सब करने के बाद चांद काजी चला गया उसने कहा कि अब क्योंकि रात्रि का समय हो चुका है इसलिए अब मैं जा रहा हूं आगे से तुमने दोबारा यह किया संकीर्तन गया यहां पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आसपास के जो स्थानीय ब्राह्मण थे वो सब भक्तों का मजाक उड़ाने लगे देखा खूब पिटाई हुई ना अच्छा सबक मिला और करो संकीर्तन तो इस तरह से चांद काजी के के चला गया चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि यह घटना हुई है शिवाज ठाकुर के घर पर ऐसा क्रोधित हुए शिव चैतन्य महाप्रभु ने कहा चांद काजी आग लगा दूंगा इसके घर पे पूरा घर उसका उजाड़ दूंगा मैं सबको इकट्ठा करो जितने वैष्णव हैं सब अपने अपने घरों से मशाल लेकर आएंगे आज हम सब मिलकर जाएंगे संकीर्तन करते हुए चांद काजी के घर पर देखता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है उसका राजा भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है इस तरह से गौर सुंदर गौर हरि जो है सबने उन्होंने भक्तों को इकट्ठे किया नवदीप के सारे भक्त इकट्ठे हो गए और जानते कितने हो गए एक लाख से अधिक भक्त इकट्ठे हो गए कहां से आ गए भक्त बतानी या कि देवी देवता भी उच्च लोगों से अवतरित हो गए वहां पर प्रकट हो गए मनुष्य रूप में वो सभी संकीर्तन में भाग लेने लगे चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन इतना अद्भुत है इसमें मलेश यावन चंडाल को भी भाग ले सकता है कोई भी भाग ले सकता है और अपने आप को शुद्ध करके वो भी महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश कर सकता है जैसे भगवान श्री कृष्ण की जब रासलीला हुई क्योंकि रासलीला को संकीर्तन से सभी बताया जाता है लेकिन रासलीला में क्या होता है कि रासलीला में केवल भगवान श्री कृष्ण की गोपियां उनकी अंतरंग गोपियां भाग लेती हैं और कोई एंट्री नहीं है और किसी को प्रवेश नहीं यहां तक तो कि महादेव भी जब रासलीला में भाग लेना चाहते थे उनको भी गोपी स्वरूप लेना पड़ा अदरवाइज नो एंट्री टू शिव जी और जो देवी देवता है वो उस लोगों से स्वर लोग से देख रहे हैं राष्ट्र का दर्शन करते थे लेकिन भाग नहीं ले सकते उसमें लेकिन चैतन्य महापुरु का संकीर्तन ऐसा है कि उसमें तो सब कुछ सब तरह के लोग सब तरह के लोग पशु पक्षी सब जो है उसमें भाग सकते सारे संकीर्तन में भाग लगे ले। और चैतन्य महापुरु ने क्या किया अलग अलग दल बना दिया अद्वैत आचार्य का हरिदास ठाकुर का और शिवाज ठाकुर का नित्यानंद प्रभु का नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ ही चलने लगे सभी अलग अलग दल में बट गए और सारे भक्त लोग इकट्ठे होके अब शिवाज चांद काजी के घर पर चाहने लगे और चांद काजी के घर पर जब पहुंचे तो चांद काजी के घर पर आतंक मचा दिया वहां के गमले वहां के पेड़ सब कुछ तोड़ने लगे तोड़ डालो उसके घर को आग लगा दो उसके घर को इसे संकीर्तन को रोकने की कोशिश की है आज उसको मैं इसका सर जो है थर से अलग कर दूंगा तो गौर सुंदर गौर हरी बहुत गुस्से में थे लेकिन निमाय ने सोचा कि कल क्रोधित होने से कुछ नहीं होगा हमें तो हमेशा के लिए बंद कराना ना तो उन्हें वहां के जो सम्मानित लोगों को बोला आप जाके बोलिए काजी साहब को कि नमाई मिलने के लिए आए भीतर क्यों चले गए छुप क्यों गए अंदर जाके तो भीतर चले गए उनको बड़ा डर लग रहा था काजी को अरे बाप रे बाप उनको मुझे पता चला अपने सैनिकों से अपने जो उनके जितने भी थे प्यादे थे उन्होंने कहा काजी साहब एक लाख से ऊपर लोग हैं बाहर क्या करेंगे आप और वो निमाई गौर सुंदर आपसे मिलने आए हैं बात करना चाहते हैं आपसे ठीक है मिल लेता हूं क्या करूँ बड़े डर डर के बाहर निकले अरे निमाई मेरे भांजे मैं तुम्हारा मामा हूं लाम चक्रवर्ती तो हमारे गांव के रिश्ते में हमारे भाई जैसे थे और तुम तो मेरे भांजे हुए ना तो कहा कमाल है आप हमारे हम जो है आपके अतिथि के रूप में आए हैं और आप हैं कि घर के भीतर छुपे हुए तो काजी ने कहा कि अतिथि तो है लेकिन इस तरह से अतिथि आए तो फिर घर के भीतर ही छुपना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा हाँ? आप तो आक्रमण के भाव से आप यहां पर आए हो उन्होंने कहा कि हम साहब से बातचीत करना चाहते हैं तो फिर काजी के साथ बातचीत हुई निमाय की और उस बातचीत के दौरान कई सारी बातें हुई हैं उसमें काजी ने कहा कि वास्तव में क्या हुआ था मैं बताता हूं जिस दिन मैंने मृदंग को तोड़ा था उसी दिन रात को रात्रि के समय एक व्यक्ति जो है मेरे सामने आया उसका शरीर आधा सिंह का था आधा नर का था उसके इतने बड़े बड़े नाखून थे वो मेरे छाती के ऊपर चढ़ गया और मेरे छाती के ऊपर अपने नाखून को लगाया उसने ये देखो आज भी वो निशान है और उसने मुझे चेतावनी दी कि आज के बाद तुमने अगर संकीर्तन को रोका तो तुम्हारा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा छाती फाड़ डालूंगा जिस तरह से हिरण कश्मों को फाड़ा था मैंने उसी तरह तुम्हारी हालत हो जाएगी दोबारा जरूरत मत करना संकीर्तन को रोकने की नहीं नहीं भैया मैं नहीं, नहीं।, नहीं। कभी नहीं रोकूंगा मुझे माफ कर दो तो नरसिंह वहां ने कहा कि ठीक है आज मैं क्षमा करता हूँ आगे से मत करना तो इस तरह से चांद काजी ने कहा तो चैतन्य महापुर ने कहा ठीक है आगे से दोबारा कभी संकीर्तन ना रोका जा आप ऐलान कर दो काजी कैजानी काजी ने ऐलान किया मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद हमारे जितने भी वंश में आएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी नदिया जिले में संकीर्तन को नहीं रोकेगा और जानते उन्नीस में जब बंटवारा हुआ था और हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा हुआ था उस समय भी नवदीप में कुछ नहीं हुआ था चांद काजी ने जो संकल्प लिया था उन्होंने जो वचन दिया था आज भी पूरा किया जा रहा है नवदीप में तो इस तरह से जो है चांद काजी का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु गौर हरि ने एक दिन रात्रि के बाद महाप्रभु जब भारी चेतना में थे भारी चेतना में जब आ जाते थे संकीर्तन करके भाव भावेश्वर नृत्य कीर्तन करके पूरी रात प्रातः काल क्या करते चैतन्य महाप्रभु कई बार ऐसा होता कि भक्तों के साथ जाते गंगा जी में स्नान करने के लिए गंगा जी में स्नान करने जाते और उसके बाद कई बार ऐसा भी होता कि उनके लिए कोई ना कोई जो है गंगा जल लेके आते घड़े में भरकर तो एक वहां पर शिवाज ठाकुर की एक दासी थी वो जाकर क्या करती थी रोज घड़े में गंगा जल भर के लाती थी महाप्रभु के स्नान के लिए तो रोज जब जाने लगी तो महाप्रभु ने एक दिन देख लिया ये कौन है रोज गंगा जल लेकर आती है तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा नाम दुखी है तुम कृष्ण की सेवा करते हो तुम दुखी कैसे हो सकती जो कृष्ण की सेवा करता है वो दुखी कैसे हो सकता है ये संभव ही नहीं है आज से तुम्हारा नाम सुखी है तो दुखी को सुखी बना दिया गौरंग महाप्रभु ने बोले गौर हरि गौरंग महाप्रभु की तो इसलिए भक्तों को दुखी कभी नहीं होना चाहिए नहीं तो महाप्रभु की अनुयायी नहीं है जो भक्त दुखी है वो वास्तव में दुखी नहीं है क्योंकि उसको दुखी नहीं होना चाहिए ये संभव ही नहीं है अगर कृष्ण कोई कृष्ण भावना भावित है कि अगर वो दुखी हो संभव ही नहीं अरे ठाकुर जी के संपर्क में आ गए सारे दुखों को हरने वाले हैं दुखों के हंता है इसलिए तो उनका नाम हरी है तो इस तरह से फिर क्या हुआ <coughs> दुखी को सुखी बना दिया दूसरे दिन क्या हुआ एक दिन ऐसा हुआ शिवास ठाकुर के घर में संकीर्तन चल रहा था संकीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे खूब कीर्तन चल रहा था खूब नृत्य चल रहा था अचानक क्या हुआ चैतन्य महाप्र ने कहा कि क्या बात है आज आनंद नहीं आ रहा है आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है शिवास ठाकुर के घर में कुछ हो गया है क्या शिवास ठाकुर ने कहा कि जिस घर में आप नृत्य कर रहे हो और आपका मुस्कुराचा चेहरा हम देख पाते हो आप संकीर्तन कर रहे हो उस घर में किस प्रकार का दुख होगा किस प्रकार की दुर्घटना होगी सब कुछ ठीक चल रहा है शिवास ठाकुर को लेकिन चिंता हो गई अंदर माताएं रोने लग गई क्योंकि उनका अपना ही लड़का मर गया था शिवास ठाकुर तुरंत गए दूसरे कमरे में जाकर माताओं को बोलने लगे आप सब कोई भी नहीं रोएगा आप कोई नहीं रोगे अगर आप लोग रोए और जोर से चिल्लाए तो मैं भी जाऊंगा गंगा जी में डूब मरूंगा तो इसलिए बिल्कुल चुप कोई नहीं रोएगा अब वो बेचारे चुप हो गए और फिर महाप्रु के पास आए तो महाप्रु ने कहा कि क्या बात है तो शिवा ठाकुर क्योंकि बता नहीं रहे थे तो और भक्तों से जब पूछा तो भक्तों ने कहा कि महाप्रभु वास्तव में शिवा ठाकुर ने हमें मना किया था बताने के लिए उनको भय था कि आपके कीर्तन में कोई बाधा ना आए अगर वो बता देते कि उनका लड़का मर गया है तो आप नृत्य कीर्तन रोक देते आपकी लीला में वो बाधा नहीं बनना चाहते थे क्या बात है देखिए क्या प्रेम है देखिए शिवाज ठाकुर का महाप्रभु के लिए महाप्रभु का क्या बात है मेरे भक्तों की मेरे लिए जो है इन्होंने सब कुछ त्याग दिया मैं इनको कैसे भूल सकता हूं मैं तो ऋणी हो गया हूं शिवास की आज का लड़का मरा है लेकिन वास्तव में अभी भी जो है शिवास ठाकुर यही सोच रहे हैं कि मेरे सेवा नहीं बंद होनी चाहिए यह भाव होना चाहिए हमारे हम जैसे जस, हम भक्तों का है कि नहीं कि ठाकुर जी की सेवा किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में कोई जिए या मरे कृष्ण की सेवा कभी नहीं बंद होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं वो हमारे प्रभु हैं वो हमारे मालिक हैं हम सब सेवक हैं हम सब नौकर हैं ये भाव हमें भी रखना चाहिए शिवाज ठाकुर की तरह क्या भाव है देखिए शिवाज ठाकुर का और उसके बाद तुरंत चैतन्य महापुर गौर सुंदर घर के भीतर गए और दूसरे कमरे में गए जहां वो लड़का लेटा हुआ था उस लड़के के छाती पे हाथ रखा जैसे ही निमाय ने गौर सुंदर ने वो लड़का जा गया अरे वो लड़का जीवित हो गया उनके लिए क्या है उस आत्मा को वापस लेके आना उस शरीर में कहाँ जा रहे भाई वापस आ जाओ तुम यहीं रहो सी शरीर में तो लड़का जा गया और लड़का के लड़के के लिए तो दूसरा जन्म था तो लड़के से कहा गौर सुंदर ने कि आप कहाँ जाना चाहते हो आप शिवास ठाकुर के घर में नहीं रुकना चाहते हो कहाँ चले गए थे आप तो लड़के ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं शिवास ठाकुर के घर पर आया था लेकिन आपकी इच्छा से मैं और कहीं जा रहा हूँ आपकी इच्छा से अब मैं और कहीं जा रहा हूं मैं तो एक साधारण जीव हूं मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है मैं स्वतंत्र नहीं हूँ गौरहरी गौर सुंदर और आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता हूँ मेरे ऊपर कृपा करिए कि जहाँ कहीं भी जाऊँ आपके चरण कमलों को ना भूलू आपको ना भूलू बस मैं कहीं भी जाऊँ तो ऐसा कर कर वो लड़का जो है उसने शरीर छोड़ दिया तो शिवाज ठाकुर के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने देखा कि लड़का जो है इतनी बड़ी विद्वता की बातें कर रहा है वो सारे परिवार के लोग बड़े शांत हो गए और सबको सांत्वना मिल गई और चैतन्य महापुरु ने कहा शिवास आप चिंता ना करो आपका एक लड़का गया है ना आज आप तुम्हारे दो लड़के हुए हैं मैं और नित्यानंद प्रभु तुम्हारे शाश्वत पुत्र हैं और हम कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे तो संबंध ही बनाना है तो ठाकुर जी से बनाओ जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे इस संसार से संबंध बनाने का लाभ इतना मिलेगा नहीं आपको क्योंकि संसार में शरीर नश्वर है तो इस भौतिक शरीर से रिश्ता बना भी लोगे आप तो 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल सब छुट्टी हो जाएगी लेकिन कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है ममे जीवभूत सनातना ये सारी में भगवान कह रहे हैं गीता में कि सनातन अंश है मेरी उनके साथ हमारा सनातन संबंध है तो वो संबंध को हमें सुबारा स्थापित करना है इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है तो इस तरह से आप शिवाज ठाकुर जब चैतन्य महापुरुष ने सन्यास ले लिया था कटवा में जाकर कई सारे भक्त जो है वो नवदीप छोड़ के जाने लगे शिवास भी जो है कुमार हट चले गए अपने परिवार के साथ हलीसर जहाँ शिवा श्रीपादेश्वरपुरी का जन्म स्थान है और अद्वैत आचार्य भी मायापुर से वापस शांतिपुर चले गए शांतिपुर का घर था तो वापस वहां चले गए लेकिन प्रत्येक बार शिवास ठाकुर और अनेक भक्त अद्वैत आचार्य और साथ में शिवानंद सेन के साथ सैकड़ों भक्त ये सब बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में और इनके साथ बहुत सारे भक्त जाते थे ये गौड़िया भक्त जाते थे सब नीलाचल अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु मुकुंद दत्त शिवास ठाकुर विद्यानिधि पुंडरिक विद्यानिधि वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त ये सब जो है महाप्रु के जितने सेवक थे वो बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेते तो शिवास ठाकुर जो है महाप्रु की लीला में भाग लेते थे रथ यात्रा में भी गुंडीचा मंदिर मार्जन में और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में और एक दल के ये मुख्य गायक थे मुख्य कीर्तनिया थे सात संकीर्तन दल थे उस जगन्नाथ रथ यात्रा में और उसमें से एक दल था जिसमें शिवाज ठाकुर प्रमुख कीर्तनिया थे और उसके नर्तक कौन थे उस दल के नित्यानंद प्रभु ये द्वितीय दल था सेकेंड ग्रुप था पहला दल था स्वरूप दामोदर का जिसमें मुख्य कीर्तनिया स्वरूप दामोदर थे और अद्वैत आचार्य जो है मुख्य नर्तक थे और उसके उपरांत तीसरा दल था मुकुंद दत्त का जिसमें मुकुंद दत्त जो है बहुत सुंदर गाते थे प्रमुख कीर्तनिया थे और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है उसमें नर्तक थे और गोविंद घोष चौथे दल के प्रमुख कीर्तनिया थे जिसमें बकरेश्वर पंडित नृत्य करते थे पांचवा दल जो आया था कुलिन ग्राम से कुलिन ग्राम के भक्त रामानंद और सत्यराज खान और छठा दल था शांतिपुर से जिसमें अच्युतानंद जो है वो नर्तक थे और सातवां दल जो था वो श्रीखंड से था श्रीखंड से आए थे नरहरि सरका ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर तो ये सब जो है उसमें कीर्तनिया थे नर्तक थे और इस तरह साठ संकीर्तन दल बांटे गए थे और कई बार तो ऐसा होता था जो अंतरंग पार्षद थे चेतने महाप्रु को सात दलों में एक साथ देखते थे नृत्य करते हुए जैसे भगवान श्री कृष्ण रासशिला में अपने आप को विस्तार कर लेते थे गोपियों के बीच में इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु इन सात संकीर्तन दलों में अपना विस्तार कर लेते थे और जो गोपनीय जो गुहयातम पार्षद परिकर थे वो देख पाते थे महाप्रभु को सात संकीर्तन दलों में एक साथ और कई बार क्या होता था महाप्रभु जब नृत्य करते उद्ड नृत्य करते तो सारे के सारे दल जो एक साथ इकट्ठे हो जाते ये सात दल एक साथ हो जाते और महाप्रभु का नृत्य दर्शन करने लगते और ऐसे में एक बार क्या हुआ महाराज प्रताप रूत चेतन महापुरु का जो है नृत्य देख रहे थे चेतने महापुरुष जगन्नाथ जी के रथ के सामने भाव वेश होकर भाव वेश में नृत्य कर रहे थे कीर्तन कर रहे थे और बड़े ध्यान से देख रहे थे महाराज प्रताप रूत कैसे देख रहे थे उनका एक सेवक था जिसका नाम था हरिचंदन हरिचंदन के कंधे पर हाथ रखकर वो देख रहे थे महापुरु का नृत्य और हरिचंदन के सामने शिवास ठाकुर आगे खड़े हो गए यानी कि राजा के सामने जो कि वास्तव में सही नहीं है लौकिक दृष्टि से तो शिवाज ठाकुर देखे जा रहे हैं और हरिचंद पीछे से पीठ में बार बार ऐसे कर रहे हैं थोड़ा साइड दो साइड दो राजा खड़े हैं पीछे हटो हटो तो तीन चार बार जब किया तो शिवास ठाकुर को बहुत गलत लगा ये कौन है हर बार पीछे से जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है महापुर का नृत्य नहीं देखने दे रहा है ये कि कौन आगे पीछे से तंग कर रहा है और शिवाज ठाकुर मुड़े पीछे और जोर से एक झापड़ मारा हरिचंदन को थप्पड़ मारा खूब जम के पांच उंगलियां छप गई हरिचंदन के चेहरे में और उस समय हरिचंदन को भी गुस्सा आ गया वो भी क्रोधित हो गया और वो भी हाथ उठाना चाह रहा था मारा प्रताप ने रोक लिया ये क्या कर रहे हो हरिचंदन आज तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई एक शुद्ध भक्त की शुद्ध भक्त के हाथ तुम्हारे ऊपर पड़ गए हरिचंदन तुम कितने भाग्यशाली हो और तुम हो कि तुम गुस्सा हो रहे हो ऐसे श्रीलामदास ठाकुर कहते हैं कि दास ठाकुर कहते हैं जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते जो नित्यानंद प्रभु की करते हैं उनकी निंदा करते हैं वो पाषांडी हैं उनके माथे पर मैं, मैं लात मारूंगा कौन बोल रहे हैं दास ठाकुर बोल रहे हैं शिल भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी के गुरु महाराज कहते हैं कि जिनके ऊपर जिनके माथे पर शिला वृंदन दास ठाकुर के लात पड़ जाए तत्काल यह नर्थ निवृत्ति हो जाएगी तत्काल ये तो बहुत अच्छा है कि एक लाथ पड़े और अनर्थ निवृत्ति ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे इतने सालों से कुछ हो नहीं रहा वैष्णव की लात पड़ जाए उसी समय कृष्ण प्रेम यानी कम से कम अनर्थ निवृत्ति हो ही जाएगी जैसे अभिराम ठाकुर का जो जयमंगल छड़ी थी जिस किसी के ऊपर पड़ जाती थी वो जयमंगल छड़ी उसी समय वो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था उसको काश हमें भी ऐसी छड़ी मिल जाए कोई जय मंगल छड़ी या किसी के थप्पड़ खाने को मिल जाए किसी वैष्णव का तो इस प्रकार जो है बड़े भाग्यशाली हो ऐसा बोला श्रीवास ठाकुर ने हरिचंदन को तो ने सोचा कि महाप्रभु गोलोक से उतरे हैं और कली काल में ये जीव आत्मा जितने हैं के जीव जो है बड़े पतित ये कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं लेकिन कृष्ण के नामों में अपराध का विचार होता है इसमें नाम अपराध लग जाता है और कलयुग के बद जीवात्माओं में इन लोगों के पास नहीं योग्यता नहीं है कि शुद्धता से पवित्रता से कृष्ण का नाम ले पाए इनको ज्यादा लाभ मिलेगा और यह सब गौरंग महापुरु का कीर्तन करेंगे गौर कीर्तन अगर कर, करेंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा जैसे प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद ये जो पंच तत्व मंत्र है इज इट मोर पावरफुल देन हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद ने कहा यस yes, दिस पंचतत्व मंत्र इज थाउजेंड टाइम्स मोर पावरफुल देन हरे कृष्ण महामंत्र फिर डिसाइबल ने बोला अच्छा ठीक है आज से हम बच जाता तो मंत्र करेंगे मंत्री श्री कृष्ण चैतन प्रभु नित्यानंद इसी का जब करेंगे प्रभु ने कहा बट चेतन महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि हमारे कृष्ण महामंत्र का जब करें इसलिए वही करना है इस ऑर्डर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन महाप्रभु का है कि हम क्या करें हरे कृष्ण महामंत्र का जब करें कीर्तन करें लेकिन उससे पहले एक बार पंचतत्व महामंत्र बोल लें पंचतत्त मंत्र एक बार बोले उसको so, कोई दिक्कत नहीं है बोलना जरूरी है तो इस तरह से गौर भजन गौर कीर्तन की योजना बनाई अद्वैत आचार्य ने अद्वैत आचार्य को यह भी लग रहा था कि अगर वास्तव में वो गौर कीर्तन करेंगे तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कभी कभी तो महाप्रभु भक्त के भाव में होते थे जैसे मैंने बताया लेकिन कभी कभी भगवत भाव में भी होते थे अब पता नहीं कब कौन से भाव में है और भक्त के भाव में हो गए तो डांट पड़ेगी हो सकता है क्रोधित होकर नीलाचल छोड़ के चले जाएँ कहीं तो हमें छोड़ के चले जाएंगे महाप्रभु आप कर लो जी कीर्तन मैं तो जा रहा हूँ हूं ही नहीं तो कीर्तन किसके लिए कर रहे हो नहीं तो ऐसे ऐसे सोचने लगे अद्वैत आचार्य लेकिन जो होगा देखा जाएगा हम तो करें तो अद्वैत आचार्य ने कंपोज किया एक बड़ा सुंदर ये पंक्ति चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर मतलब चैतन्य महाप्रभु हे नारायण हे करुणा के सागर दुखी तेरे बंधु यानी कि दुखी जनों के बंधु प्रभु मोरे दया करो मेरे ऊपर कृपा करो तो एक दिन नीलाचल में अद्वैत आचार्य सब भक्तों को भी इकट्ठा कर लिया उन्होंने कहा आ जाओ सब लोग आज हम सब मिलकर गौर हरि का कीर्तन करेंगे आज हम सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन करेंगे जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। बोलिए खुल के बोलिए ऐसा लग रहा अंदर घुट रहा है कुछ दिल खोल के नहीं बोल रहे आप बोलिए एक बार जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिन जय सचिन गौर हरी तो फिर क्या हुआ जब ऐसा सोचा तो भक्त बेचारे भयभीत तो हो गए उन्हें कहा अद्वैत आचार्य कह तो रहे हैं लेकिन महापुरु को जब पता चलेगा हम उनके नामों का कीर्तन कर रहे हैं तो फिर वो चले जाएंगे हमें छोड़कर फिर किसी ने कहा अद्वैत आचार्य ने कहा क्यों चिंता करते हुए अद्वैत आचार्य के हम संरक्षण में हैं वो हमारी रक्षा करेंगे तो चिंता ना करो जैसे अद्वैत आचार्य कहते हैं वैसे करेंगे देखा जाएगा जो होगा तो भक्त लोग भी तैयार हो गए <coughs> उसके बाद जो है अद्वैत आचार्य ने कीर्तन शुरू कर दिया अब अद्वैत आचार्य को तो महाप्रभु कुछ कहेंगे नहीं सीधे वो तो उनको अपना गुरु मानते थे गुरु तुल्य मानते थे तो अद्वैत आचार्य को थोड़ा कुछ बोल सकते हैं तो शिवास ठाकुर को पकड़ा फिर अब डांट पड़ेगी शिवास को तो अद्वैत गौरव महाप्रभु गौर सुंदर ने अब यही विचार किया ये शिवास ठाकुर की करतूत है इसी करवाया होगा सब कुछ श्रीवास ये तुमने नया कीर्तन क्या शुरू किया है कई बार होता है ना भक्त लोग उत्साहित हो जाते हैं और तरह तरह के कीर्तन शुरू कर देते हैं उस दिन वो कोई गा रहा था राधे 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 कोई मंदिर में बैठे हुए गा रहा था तो इस तरह से तरह तरह से लोग कीर्तन करना चाहते हैं लेकिन कीर्तन वही करना है जो महाप्रु हमसे चाहते हैं वो होता है कीर्तन तो इस तरह से जो है फिर क्या हुआ शिवराज ठाकुर को बोला कि आप कृष्ण कीर्तन छोड़ के ये गौर कीर्तन करने क्यों लग गए इससे क्या लाभ होगा ना तुम्हें लाभ मिलेगा ना मुझे लाभ मिलेगा किसको लाभ मिलेगा शिवराज ठाकुर ने बड़े ही पोलाइटली बोला विनम्रता से उन्हें कहा कि गौर सुंदर महाप्रभु मैं तो जीव के स्वतंत्रता पर विश्वास ही नहीं रखता हूँ मैं तो जीव की स्वतंत्रता पर विश्वास ही नहीं रखता हूं आप ही हमारे प्रभु हैं आप ही हमारे स्वामी हैं हम तो आपके केवल सेवक हैं आपकी तरह पूरा आपसे पूरी तरह नियंत्रित हैं आप ही हमारे नियंत्र हैं जो आप हमसे कराना चाहेंगे वही तो करेंगे क्या आप बात बोली बातों में बड़े दक्ष होते हैं भक्त नहीं चेते महाप्रु क्रोधित होकर बोले एक तो अपराध करते हो और मुझे दोष देते हो हाँ? मुझे दोष देते हो खुद अपराध करते हो और उस समय क्या हुआ गौड़ दे से सैकड़ों हजारों बहुत इकट्ठे हो गए वहां पर जहां महाप्रु ठहरे हुए थे वो उसके उनके घर के बाहर वहां हजारों हजारों भक्त आ गए गौर देश से और सब लोग गौरंग महापुर का कीर्तन करने लगे जय सचिलन गौर हरी ऐसा लग नहीं रहा कि हजारों भक्त इकट्ठे हुए फिर दौर से बोली जय सची लंदन गौर हरी जय सची लंदन गौर हरी बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य जय सचल जगन्नाथ जय सन्यासी जय श्री कृष्ण ऐसे चेतन भागवत में दिया है कि इस तरह से भक्त लोग बाहर से जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे और शिवाज ठाकुर ने कहा प्रभु हम तो आपके सेवक हैं हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे मैं तो चुप हो सकता हूं लेकिन इन सब लोगों को कौन चुप कराएगा जो बाहर इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं अब आप कहेंगे कि इनको भी मैंने इकट्ठा किया है तो चेतन महावरे का पंडित आप तो कृष्ण के बड़े प्रिय हैं बहुत शक्ति है आपके पास है आपके पास बहुत शक्ति है आपने इन सब लोगों को इकट्ठा कर लिया है और मेरा मुंह बंद कर दिया है क्या मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा तुमने इतने सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है शिवास ठाकुर हंसने लगे उन्होंने कहा कि शिवास ने कहा गौर सुंदर महाप्रभु आप तो घर छोड़कर जो है अपने आप को व्यक्त कर दिए हैं बाहर अब आपकी लीला को कौन समझ सकता है आपकी लीला को कौन समझ सकता है आप तो घर छोड़कर बाहर निकल आए हैं कि कितना अपने आप को छुपाएंगे आप तो चैतन्य महाप्रु कहते हैं कि आप तो मेरे ही हैं आप लोगों को जाके बताओ ना कि वो अपराध कर रहे हैं कृष्ण का कीर्तन को करना चाहिए मेरे नामों का कीर्तन नहीं करना चाहिए तो शिवास ठाकुर ने ऐसा हाथ उठाया और ऐसा रखा उन्होंने सूरज के सामने सूर्य के सामने शिवास ठाकुर ने ऐसे हाथ को रखा तो महाप्रु कहते हैं तुम क्या दिखाना चाहते हो क्या कहना चाहते हो शिवाज ने कहा कि मैं सूर्य को ढकने की कोशिश कर रहा हूं अपने हाथों से संभव है क्या महाप्रु बताइए सूर्य को ढक सकता हूं कि मैं अपने हाथों से क्या आप अपनी लीलाओं को अपनी महिमा को ढक सकते हैं क्या नहीं ढक पाएंगे आप।, आप कितना भी छुपाना चाहें अपने आप को कितना भी भक्त का भाव प्रकट करना ना, करना चाहें और भगवत भाव को छुपाना चाहें आप अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे महाप्रभु क्योंकि सूर्य उदय तो हो चुका है तो श्रीवास ठाकुर ने ऐसा कहा और उसके बाद महाप्रभु फिर चुप हो गए क्योंकि वहां संकीर्तन चल रहा था और उसके बाद शिवराज ठाकुर भी भाव विभोर हो गए उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगे और गौर कीर्तन शुरू हो गया फिर तो कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि वास्तव में अगर भक्त लोग गौरव महाप्रु का कीर्तन कर रहे हैं और अवैध आचार्य गौरव महाप्रभु का कीर्तन कर रहे हैं इसका मतलब भगवान ही चाहते हैं कि इस तरह का कीर्तन हो वो प्रेरणा दे रहे हैं जीवात्माओं को जीवात्मा के बाद वो इच्छा कहां से आ रही है भगवान के नामों को उच्चारण करने के लिए भगवान से तो आ रही है हाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरताम बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम में कोई भेद नहीं है लेकिन क्या है कृष्ण का नाम हालांकि शक्तिशाली है उसमें लेकिन अपराध का विचार होता है और क्या बता रहे चेतन चरताम ने बहुत सुंदर बात बताई कविराज गोस्वामी ने कृष्ण नाम करे अपराधे विचार कृष्ण बली अपराधी रे ना हो विकार चैतन्य नित्यानंद ना ही सब विचार नाम लोईते प्रेम देना बहु अश्रुधार बहुत सुंदर बात बोली अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो उस नाम में अपराध का विचार होता है और अपराध करने पर प्रेम का विकार उत्पन्न नहीं होता है लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रु के नामों में इस सब का कोई विचार नहीं है जैसे ही आप चैतन्य महाप्रु नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हो तो क्या होता नाम लोईते प्रेम देना बहे अश्रुधार आंखों में से अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं लेकिन हम बोलेंगे यार हम तो इतनी देर से ले रहे थे नाम आंखों में से कोई शुरू निकला ही नहीं अब एक बूंद भी नहीं टपका टपकेगा धीरे धीरे टपके हम कल के जीव हैं तो धीरे धीरे टपकेगा लेते जाओ बस हाँ तो इस प्रकार महाप्रु जब उसके बाद संन्यास ले लिए थे हमने पहले ही बताया कि शिवास ठाकुर वापस चले गए थे कुमारहट कुमारहट में जाने लगे जाके रहने लगे और एक समय चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि अपने गुरुदेव के जन्म स्थान पर जाएं और वहाँ जाकर गुरुदेव के जन्म स्थान से उन्होंने धूली ली और धूली को एक पोटली पर रखा और धूली को रोज वो मुँह में डालते थे कि मैं गुरुदेव का जन्म स्थान है उसके बाद चैतन्य महापुर शिवास ठाकुर के घर पर भी गए था। शिवास ठाकुर के घर पर जब गए तो वहाँ देखा कि शिवास ठाकुर का घर जो है पूरा घर तलीन है भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से एब्जॉर्ब है उन्हें कहा कि आप तो गृहस्थ हो शिवास आपका इतना बड़ा परिवार है आपको तो धन की आवश्यकता पड़ती होगी परिवार चलाने के लिए और बिना धन के आप अपना परिवार कैसे चलाते हो तो शिववास ठाकुर ने उत्तर दिया उन्होंने कहा कि धन की आवश्यकता उनको धन की इच्छा बिल्कुल नहीं है शिवास ने कहा कि मुझे धन कमाने की कोई इच्छा नहीं और तीन बार ताली बजाए उन्होंने महाप्रु ने कहा ये ताली क्यों बजा रहे हो उन्होंने कहा शिवास ठाकुर ने कहा कि कि दो एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए मैं इंतज़ार करूंगा और तीन दिन के लिए अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा यहां पर गर्दन में घड़ा लटका लूंगा और गंगा जी में छलांग मार के डूब मरूंगा तो ऐसे ही बोला जब जैसे जिस तरह जब बोला जैसी शिवाज ठाकुर ने बात बोली महाप्रभ जो एकदम से रोर करने लगे सिंह की तरह धाड़ने लगे और महाप्रभु ने कहा शिवास शिवास ठाकुर को आशीर्वाद दिया वही आशीर्वाद वही वरदान जो उन्होंने नवदीप में दिया था श्रीवास को जब वो परीक्षा ले रहे थे था श्रीवास ठाकुर की उनकी उनकी श्रद्धा कितनी है नित्यानंद प्रभु में आज वो दोबारा वही वरदान श्रीवास ठाकुर को दिया महाप्रभु ने क्या बोला यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे तथा यह दारिद्र्य तोर नाहिबे बेके घरे बिरला कुकुर आदि तुमार बाड़ी रा सवार अमाते भक्ति हो बे का स्थिर नित्यानंद समर्पिलू तुमार स्थाने सर्व मते संभरण करीबे आपने हो सकता है हो सकता है कि लक्ष्मी जी को भी भीख मांगना पड़े नगर नगर जाके गांव गांव जाके हो सकता है लक्ष्मी जी भी दिखाई पड़े वो भी भीख मांगी रही हैं, बेलवन में खड़े होकर कितने हजारों हजारों साल से लगी हुई हैं भगवान कृष्ण की लीला में भाग लेना चाहती हैं लीला में भाग लेना चाहती हैं उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है तो वो एक तरह से गरीबी हो गई ना उनके पास ब्रज प्रेम का धन नहीं है तो यहां पर हो सकता है कि लक्ष्मी जी जो है भटक रही होंगी नगर नगर गांव गांव गाँग भीख मांगते हुए लेकिन आपके घर में कोई गरीबी नहीं आएगी आपके घर में यहां तक जो कुत्ते हैं बिल्ली है आपके घर में कोई भी होगा उन सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और मैंने आपको नित्यानंद प्रभु सौंप दिए हैं अब आप नित्यानंद प्रभु की सेवा करो अन्य चिंतन तुम ये जना पारुपास तेषाम नित्याभि युक्ता नाम हम तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हालांकि जगन्नाथपुरी में रहे लेकिन ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु और चार स्थानों में हमेशा रहते हैं इसको कहते हैं आविर्भाव एक होता है साक्षात एक होता है आविर्भाव और एक होता है आवेश तीन तरह से प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु आवेश का मतलब है जैसे नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में प्रवेश कर गए या शिला प्रभु जी को भी जिनको बताया जाता है कि साक्तवेश है चैतन्य महाप्रभु आवेश आ गया महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का आवेश आ गया तो एक आवेश होता है एक आविर्भाव होता है आविर्भाव मतलब है चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं है लेकिन जहां पर संकीर्तन हो रहा है कथा हो रही है तो महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं कहाँ का प्रकट हो जाते हैं चार सालों में शची माता के घर पर जब भी विश्वप्रिया जी सचि माता भोग लगाती हैं गौर सुंदर को गौर हरी को अपने घर में तत्कालीन महाप्रभु आके उस भोग को पाते हैं खुद ही आ जाते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं शचि माता के घर पे और जहां नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं जैसे पानी हाटी में ददी चिड़ा महोत्सव जब मनाया जा रहा था तो नित्यानंद प्रभु तो मौजूद थे लेकिन महाप्रभु मौजूद नहीं थे उनका आह्वान किया गया तो महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए नित्यानंद प्रभु जहां पर संकीर्तन कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं वहां महाप्रभु भी आ जाते हैं तीसरा कौन सा स्थान है राघव पंडित का घर राघव पंडित के घर पर भी जो है गौरंग महाप्रभु गौर सुंदर प्रकट हो जाते हैं तो शची माता के घर में नित्यानंद प्रभु के घर में नित्यान प्रभु जहाँ में नृत्य करते हैं शिवाज ठाकुर के घर पे शिवाज ठाकुर के घर में जब भी संकीर्तन होता है महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं तो ये चार स्थान है जहां पर महाप्रभु का आविर्भाव भी होता है और आज जो है शिवाज ठाकुर का तिरुभाव दिवस है आज जो है दशमी है आषाढ़ का महीना है श्री कृष्ण दशमी कृष्ण पक्ष और दशमी का दिन है तिथि और आज के दिन शिवाज ठाकुर का तिरुभाव हुआ इनका आविर्भाव आता है चैत्र मास के महीने में अष्टमी के दिन तो ये चैत्र मास जो अभी गया था पीछे मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उसमें शिवाज ठाकुर का आविर्भाव और आज के दिन उनका जो है तिरुभाव तो आज शिवाज ठाकुर से हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से भाव सेवा का भाव उनमें था जिस तरह से उन्होंने महाप्रु की लीला की, में सेवा की गौरव महाप्रु को सहयोग दिया उनकी लीलाओं में और इसी तरह से हमें भी मौका मिले छोटी मोटी सेवा में मिल जाए गौरव महाप्रुव की लीला में तो हम अपना जीवन हमारा धन्य हो जाएगा हरे कृष्ण शिल श्रिवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की समवेत भक्त भक्तवृंद की गोर प्रेमानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बात की जाए कोई प्रश्न है खाना, या खाना नहीं चाहिए या सोना भी नहीं चाहिए या कम भी नहीं पर अगर देखें तो उसे वो दूध का ही कारण बना ब्रह्मचारी उस का उसे महाप्रभु ने कर लिया अल्टीमेटली हाँ, महाप्रभु जो तो कृपाल दयालु है ना महाप्रभु बहुत महाप्रभु के हृदय में बहुत करुणा है महाप्रभु बहुत जल्दी क्षमा कर देते तो आप ही दूध पियो फिर समय बच जाएगा आपका लेकिन पाउडर वाला नहीं और बताइए श्रीवास पंडित और जो भी भक्त थे जो काफी महा, महाप्रभु से प्रेम करते थे फिर भी वो तो दूर क्यों रहते थे जैसे जगन्नाथपुरी में आकर रह सकते थे कुमार हाट में रह रहेपुर में रह रहे हैं वो चाहते तो महाप्रभु के पास आके परमानेंटली पर जगन्नाथपुरी में तो दूर की सेवा है ना अद्वैत आचार्य साथ साथ जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ या शांतिपुर में रुके थे लगभग दस दिन के लिए संन्यास लेने के बाद आए थे तो जगदानंद पंडित मुकुंद दत्त और नित्यानंद प्रभु ये सब जा रहे थे महाप्रभु के साथ तो अद्वैत आचार्य भी पीछे पीछे होली लेकिन अद्वैत आचार्य को महाप्रु ने कहा कि अद्वैत आचार्य मैंने आपको तो पीछे छोड़ा इसलिए कि आप भक्तों का ध्यान रखेंगे इन भक्तों को सांत्वना कौन देगा ये नवदी में पशु पक्षी ये सब रो रहे हैं ये सब जो हैं विरह में जो हैं प्राण त्याग देंगे तो इनको कौन समझाएगा शशि माता का ध्यान कौन रखेगा मैं तो आप पर बहुत विश्वास था कि आप पीछे रहकर ये सब करेंगे तो महाप्रु अद्वैताचार्य को सेवा दे रहे हैं नहीं अगर सब लोग प्रभुपाल जी के पास ही बैठे होते न्यूयॉर्क में तो आज आप और हम यहां ना बैठे होते प्रभुपाल अगर वृंदावन छोड़ के अमेरिका नहीं गए होते तो आप अपने घर में होते मैं अपने घर में होता कुछ तो त्यागना पड़ता है ना कुछ पाने के लिए और बताइए हरे कृष्ण रुजी धन प्रणाम रोजी जैसे आपने बताया कि भगवान गौरव महाप्रभु हम सबको कृपा देने आए थे तो बंद करके श्रीवास के आंगन में ये करना नृत्य की कोई भी और तो नहीं है बार बार महाप्रभु ऐसा बोल रहे थे ये कौन सी लीला है कैसे समझ सकते हैं हम क्योंकि ये देखिए ये जो भाव के स्तर पर हो रहा था ये संकीर्तन जो है ये साधारण संकीर्तन नहीं था ये अंतरंग पार्षदों के साथ हो रहा था वो भाव के स्तर पर प्रेम के स्तर पर हो रहा था जो हम जैसे नौ सीखे लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे उस स्तर को नहीं समझ पाएंगे इसलिए जैसे कि मान लीजिए आप केवल अभी ए बी सी डी सीख रहे हो तो पी के अगर स्टूडेंट्स के साथ अगर बैठना भी तो क्या फ़ायदा कुछ समझ में तो आएगा नहीं तो इसलिए वहाँ एंट्री होती ही नहीं बच्चों को कहा जाता है जाके पहले ए बी सी डी सीखो ये है पॉइंट प्रभु जी जैसे नवदीप में उस टाइम स्वीकार नहीं किया था महाप्रभु को स्वीकार नहीं किया था नवदीप में तो क्या अब वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया महाप्रभु को भगवान के अवतार के रूप में या नहीं अब तो स्वीकार कर लिया खूब स्वीकार कर लिया जब चैतन महापुरुष सन्यास लिया तो सबने स्वीकार कर लिया चैतन महापुरुष जैसे संन्यास लिया सबने स्वीकार किया सब बदल गए वो तो लीला है खैर हरे कृष्ण सबका सबका बहुत बहुत धन्यवाद शिल प्रपाद की जय